Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. वन पास फॉर 100+ गवर्नमेंट एग्जाम्स जिसमें आपको मिलेंगे 100 से भी ज़्यादा कोर्सेज, 3500+ मॉक टेस्ट, 500 से भी ज़्यादा PDF स्टडी नोट्स आपको मिलेगा सिर्फ 149 रुपीज़ में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम ऑल। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी हमारे दोस्त जुड़ जाए। पहले सबसे पहले बताइए आप लोग कैसे हो, एवरीवन इज़ गुड। लास्ट वीक बिकॉज ऑफ सम रीजंस हमारा लेक्चर नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स, तो कोई बात नहीं, हम विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग इन टूडेज लेक्चर। लास्ट वीक वॉज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियाज इकोनॉमी बिकॉज मेनी अनाउंसमेंट्स हैपन। आप सबको पता होगा द न्यू नारा गिवन बाय अवर प्राइम मिनिस्टर इज आत्मनिर्भर, उसके ऊपर 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई टिल डेट। फिनेंस मिनिस्टर अनाउंस सम इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस फॉर इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्कर दिस कोविड वाला सिचुएशन। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज थिंग्स इन डिटेल। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या चीजें हो सकती है, उन सब के ऊपर आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, काफी लोग जुड़ गए हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, तृप्ति, विशाल, अरविंद, विकी, प्रीति, स्नेहा, नानी, चलो बहुत बढ़िया। सो गाइज, वी विल डिस्कस अबाउट दोज बिकॉज दोज 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज स्टिल टू टूडे मॉर्निंग 11 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ऑल दोज प्रेस कॉन्फ्रेंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दोज वेर नॉट ओनली इकोनॉमिक पैकेजेस बट दोज वेर द रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया, इंडिया के रिफॉर्म्स थे। अब वो सही में फिजिकल पैकेज है कि नहीं है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी काफी आ रहा है। कुछ बहुत लैंडमार्क चेंजेस आज अनाउंस किए गए हैं, उसके ऊपर भी हमें बात करनी है। देन एवरी एंगल वी आर गोइंग टू कवर। सो बिफोर गोइंग टू दैट पार्ट, विल स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल न्यूज जो पिछले कुछ वीक में कवर हुई थी उसको पहले कवर कर लेते हैं। 5-6 न्यूज है उनको फिनिश ऑफ करते हैं, फिर हम उस स्टिमुलस पैकेजेस की बात करेंगे। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना सबको पता होगी, 5 साल सक्सेसफुल 5 ईयर्स अटल पेंशन योजना को हुए है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एंड क्वेश्चन विल बी रिगार्डिंग दिस, हाउ मेनी सब्सक्रिप्शन और हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स आर देयर फॉर द अटल पेंशन योजना 2.2 करोड़। जैसे उज्ज्वला योजना 8 करोड़ अचीव किया था तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वैसे यहां भी क्वेश्चन आएगा कि अटल पेंशन योजना के कितने सब्सक्राइबर्स हैं, यू पीपल शुड नो अबाउट दैट। 9 मई 2015 को योजना शुरू की थी, पर्पस ये था कि इंडिया के हर इंडिविजुअल को पेंशन की सुविधा मिल सके, स्पेशली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। एज ग्रुप हमने किया था 18 से 40, मीन्स 18 से 40 के एज में आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और जब आप 60 साल के हो जाओगे तो आपको पर मंथ पेंशन मिलना शुरू होगा। नॉर्मली नेशनल पेंशन स्कीम इंडिया में है पर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए थी, बाकी लोगों के लिए भी पेंशन मिलना चाहिए, इसलिए योजना को स्टार्ट किया गया और जिसको बाद में नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर डाल दिया गया। तो दिस योजना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलेटरी अथॉरिटी सबको पता है PFRDA है और ये इसको रेगुलेट करेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर, NPS जिसे हम लोग कहते हैं, बफरिंग, स्टिल बफरिंग, एक काम करता है, जस्ट वेट फॉर लाइक आई विल मेक सम चेंजेस सो दैट आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। थोड़ा सा वेट कीजिए, आई विल जस्ट मेक सम स्लाइट चेंजेस सो दैट देयर वोंट बी एनी इशू। ठीक है, चलेगा। नाउ विल स्टार्ट अवर लेक्चर। फाइन, नाउ विल टॉक अबाउट दैट। इसके अंदर बेनिफिट्स भी आते हैं, टैक्स बेनिफिट्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां पे शायद इस बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एंड विच कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन परसेंटेज मेल टू फीमेल। देखिए मेल का सब्सक्रिप्शन ज्यादा है, 57:43 का रेशो है। इस रेशो के अंदर मेल टू फीमेल सब्सक्रिप्शन है, ये एक यूनिक पॉइंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर शायद एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एक और चीज गवर्नमेंट की एक परेशानी है नेशनल अटल पेंशन स्कीम को लेके, द परेशानी इज दैट 18 से 40 के उस एज ग्रुप में जितने लोग, उसमें से केवल 5% एलिजिबल पॉपुलेशन ने अभी तक सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है।
तो अभी तक केवल 5% पॉपुलेशन कवर हुआ है। सोचो कितना बड़ा पॉपुलेशन, चलो उसमें से 10-15% गवर्नमेंट सर्वेंट्स होंगे, उनको ऑलरेडी मिल रहा है, बट रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल नॉट प्रिस्क्राइब दिस योजना। अगर इस योजना में लोग प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे तो उतना पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं आएगा जो गवर्नमेंट सोच रही थी दे कैन यूज। दैट्स व्हाई अगर नंबर्स देखे तो 2.2 करोड़ दिख रहे, पर परसेंटेज अगर देखे तो ये काइंड ऑफ फेल्यूर वाली सिनारियो आपको दिखने में आएगा। केवल 5% लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है, एंड विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, उसके तरह थोड़ा ध्यान रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, विच इज नेक्स्ट न्यूज विच कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। एक नेशनल पेंशन सिस्टम की बात की जाए, 2004 में इसको स्टार्ट किया गया था और एज ग्रुप 18-65 है इसका। सो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। चैंपियंस नाम का एक पोर्टल एमएसएमई के लिए लॉन्च किया है गडकरी साहब ने, हु इज अ मिनिस्टर फॉर एमएसएमईज, माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। उसका डेफिनेशन भी अभी इस रिफॉर्म्स के चक्कर में चेंज किया गया है। चैंपियन नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। चैंपियन नाम का पोर्टल है क्या? सबसे बड़ी दिक्कत जो आप एग्जाम में फेस करोगे इसका फुल फॉर्म। यस, गवर्नमेंट की बहुत आदत है बिना फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म के कोई योजना लॉन्च ही नहीं करते, और यहाँ पे चैंपियंस का फुल फॉर्म डाल दिया, और फुल फॉर्म बड़ा डेंजरस है। देखिए, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। याद रखना ये फुल फॉर्म है, 100% किसी ना किसी एग्जाम में ये आएगा, ये उनका फेवरेट पार्ट बन जाएगा, तो थोड़ा इसके तरफ ध्यान रखिएगा। 4th May to 10th May का PDF काजल जी अभी तक मैंने कहीं डाला नहीं है क्योंकि उसका लेक्चर मैंने लिया नहीं था, बट आई विल पुट द PDF इन द ग्रुप टिल टुमारो। ओके, यस, इट्स फुल फॉर्म इज टू लॉन्ग, इट्स टू हेवी टू अंडरस्टैंड, बट डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क। एंड नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस चैंपियन पोर्टल? क्या है? एक पोर्टल रहेगा जिस पोर्टल में सारे MSMEs को नए नए टेलीकम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स यूज करने को मिलेंगे। AI टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग या जो जो नई टेक्नोलॉजीज आती है उसकी सारी सुविधाएं MSMEs को मिल सके और MSME के थ्रू कॉमन लोगों तक पहुंच सके, ये पर्पस है। जितनी MSME स्ट्रांग बनेगी, जितनी MSME मॉडर्न बनेगी, उतना इंडिया का फ्यूचर बहुत स्ट्रांग बनेगा। एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी कंट्री का बिजनेस अगर ग्रो करना है या किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट बढ़ाना है या मोदी जी की भाषा में बात करना, अगर आत्मनिर्भर बनाना है किसी भी देश को, तो उसका MSME स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर MSME आपका वीक है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपके देश की ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाएगी। इंडिया के साथ वही प्रॉब्लम हो रही है, एंड दैट्स व्हाई दे हैव डिसाइडेड कि इसको थोड़ा मॉडर्नाइज करते हैं, इसलिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब इस पोर्टल का सीन क्या है? नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है, ये नॉर्मली इंडिया के सारे IT सेक्टर को हैंडल करता है या सारे गवर्नमेंट के वेबसाइट्स को हैंडल करता है। अब ये नेटवर्क रूम काम कैसे करेगा? इसमें एक मॉडल रहेगा, हब एंड स्पोक मॉडल। याद रखना ये मॉडल के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि चैंपियन नाम का पोर्टल किस मॉडल पे काम कर रहा है। हब एंड स्पोक, हब मीन्स मेन सेंटर, इसका मेन सेंटर दिल्ली में रहेगा, और इसके स्पोक्स जैसे साइकिल का होता है एक मेन जहां पे सारे स्पोक्स अटैच होते हैं, तो वो हब हो गया, वो हब दिल्ली रहेगा, और वहां से स्पोक्स निकलेंगे, एंड ऑल दो स्पोक्स विल बी इन एवरी स्टेट। तो हर स्टेट में एक-एक ब्रांच रहेगी और मेन ब्रांच विल बी इन दिल्ली। तो इसके तरफ ध्यान रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये रहेगा, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आएंगे। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? नाउ इफ यू आर गोइंग टू गिव द UPSC एग्जाम और RBI या NABARD एग्जाम की बात करेंगे, तो थोड़ा डिटेल में जाने की उनकी आदत है, स्पेशली RBI और NABARD के लिए, इवन SIDBI के लिए याद रखिएगा, बेसिक से जो है ना MSME उनका फेवरेट टॉपिक है, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन। इवन UPSC का जब सब्जेक्ट टू पेपर आता है तो उनका ये फेवरेट पार्ट है कि दे आर गोइंग टू आस्क रिगार्डिंग MSMEs एंड देयर डेवलपमेंट। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव देखना, टू सपोर्ट देम, टू एक्सप्लोर देयर कैपेबिलिटीज, कि उनकी कैपेबिलिटीज कितनी एक्सप्लोर की जाएगी इस सेक्शन वाइज, और उनको प्रमोट किया जाएगा ताकि अगर वो कुछ नई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या 3D टेक्निक बनाते हैं तो उसको प्रमोट करने के लिए भी ये वेबसाइट उनको हेल्प कर सकती है, एंड दैट इज अ पार्ट। सो इस ऑब्जेक्टिव के तहत इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज की तरफ आते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग नेक्स्ट न्यूज रिगार्डिंग एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। नाउ एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इज गिवन बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसा इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है राइट नाउ जो कुछ ना कुछ सर्वे दे ही रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, बाकी लोगों के सर्वेस कम हो चुके हैं, सर्वे के रिपोर्ट्स ही नहीं आ रहे या फिर इनसिग्निफिकेंट बन चुके हैं, पर एक लौता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसके सर्वे रुक नहीं रहे हैं। एवरी मंथ वन और द अदर सर्वे दे आर गिविंग, बिकॉज देयर सर्वेज आर काइंड ऑफ वेरी यूनिक। दे आर नॉट गिविंग सर्वेज लाइक GDPs,
डेवलपमेंट, दे आर टॉकिंग अबाउट सम डिफरेंट डिफरेंट सर्वेस. तो तब तक आप लोग मुझे बताइए कि उनके सर्वेस कौन से होते हैं या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन से सर्वे प्रोवाइड करती है. जल्दी से उसकी लिस्ट डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में, हम उसके ऊपर बात करेंगे. ठीक है, चलो. अब यह है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स. एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स का मतलब क्या होता है पहले एक्सप्लेन कर देता हूं. इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी के जो हमारे पास सोर्सेस है उसको हमने कितना ट्रांजिट किया, कितने चेंजेस किए हैं, या कितने ऐसे सोर्सेस में हम आ चुके जो सस्टेनेबल सोर्सेस है. देखिए, सिक्योर सस्टेनेबल अफोर्डेबल एंड इंक्लूसिव एनर्जी सिस्टम, इसके ऊपर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है. वन ऑफ द एग्जाम दे आस्क्ड द क्वेश्चन, क्वेश्चन वाज दैट कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन से चीजें कैलकुलेट की जाती है. एक तो सिक्योरिटी, एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी मीन्स कितने दिन तक चलेगा या कितना लॉन्ग टर्म रहेगा, अफोर्डेबिलिटी कितना सस्ता रहेगा, और इंक्लूसिव मीन्स सबको लेके चल रहा है, इसमें किस तरीके से आप डेवलप हो रहे हो. 115 कंट्री हमने कैलकुलेट की, उसमें से स्वीडन सबसे टॉप मोस्ट है, सबसे टॉप में स्वीडन जा रहा है, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड टॉप, रेस्ट ऑफ द प्लेसेस. G20 कंट्रीज की बात करें तो G20 कंट्रीज में टॉप में केवल फ्रांस और यूके है. ये बात पॉइंट याद रखना, G20 कंट्रीज की अहमियत बहुत ज्यादा होती है, ये बड़ी कंट्रीज है बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल. अगर बात की जाए डेवलपिंग कंट्रीज की तो अर्जेंटीना, चाइना, इंडिया एंड इटली, दीज कंट्रीज आर परफॉर्मिंग वेल इन डेवलपिंग सिनारियोस. इंडिया की बात करें तो इंडिया रैंक इंप्रूव्ड 74 हो चुका है, दो रैंक से हम ऊपर आ चुके, तो 74th रैंक हमारा है फिलहाल, इसके तरफ ध्यान रखिएगा. हमने काफी चेंजेस किए, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी में हमने काफी चेंजेस किए. 175 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम रिन्यूएबल के थ्रू डेवलप करने वाले, तो वहां पे हमारा डेवलपमेंट काफी बेहतरीन, काफी अच्छा है, तो जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. इतने पॉइंट्स हैं, इसके तरफ ध्यान रखिएगा. ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं. जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सर्वेस के नाम बता दीजिए, कौन से रिपोर्ट वो लोग देते हैं, तो रिपोर्ट आपके स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान देना अच्छे से. एक कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, एक आईटी रिपोर्ट है, जेंडर गैप रिपोर्ट है, रिस्क वाला रिपोर्ट है जो कोरोना के एग्जैक्टली पहले दिया था, मंथ ऑफ जैन में आया था, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, और बाद में ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट जो अभी हम देख रहे हैं एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट. तो इनके 6 रिपोर्ट्स है, ये 6 रिपोर्ट्स याद रखना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है. सारे रिपोर्ट के सामने ग्लोबल 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 वर्ल्ड है, ग्लोबल वर्ल्ड देख के आप ऑटोमेटिकली मार्क कर सकते हो कि रिपोर्ट किसने दिया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. जिनेवा से काम करता है, 1971 में इसको क्रिएट किया गया था, पर ये ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक एंड प्राइवेट मिला के है. इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के लोग भी जाएंगे प्लस इंडिया के प्राइवेट लोग भी यहाँ पे जा सकते हैं. वर्ल्ड बैंक IMF में क्या होता है, केवल गवर्नमेंट जाता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी जाएगा और प्राइवेट वाले लोग भी जा सकते हैं. ओके, सो इसके तरफ ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. काफी ज्यादा बफरिंग हो रही है क्या, मुझे एक बार बता दीजिए, बफरिंग काफी ज्यादा हो रही है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो आई विल अगेन मेक सम चेंजेस. मैं मेरा वीडियो हटा देता हूँ, मेरा फेस हटा देता हूँ ताकि आपके लिए बेटर रहेगा. चलो ठीक है, मैं कोई चांस नहीं लेते हम लोग, हमें पढ़ाई से मतलब है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट न्यूज की तरफ जाते हैं. नाउ सेंटर स्टेट रिलेशंस, नाउ ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस कैसे चल रहे हैं. फिलहाल इंडिया में सेंटर और स्टेट के रिलेशंस काफी खराब चल रहे हैं. आज भी निर्मला जी ने सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर काफी बात की है. उनका आज भी कहना था कि देर आर मेनी इश्यूज गोइंग ऑन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. द रीजन इज दैट मनी, टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहे, काफी बर्डन आ रहा है, सारे बिजनेसेस बंद है, इसलिए काफी बर्डन के चक्कर में सेंटर स्टेट रिलेशन हैम्पर हो रहे. सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या होते हैं, टैक्सेस जो भी कलेक्ट होते हैं उसको देना पड़ता है, उसको डिसॉल्व करना पड़ता है टुवर्ड्स द स्टेट्स. स्टेट्स की तरफ उनको देना जरूरी है, उसका पाइपलाइन स्टेट्स की तरफ डालना जरूरी है, बट पैसा आ नहीं रहा है. तो नियर अबाउट देखिए 97,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ है स्टेट्स का. तो इसी को लेके ये न्यूज है, इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे. इस न्यूज में हमारा पूरा फोकस ये रहेगा कि स्टेट्स के इनकम सोर्सेस क्या क्या होते हैं और स्टेट्स को पैसा कहाँ कहाँ से मिलता है और सबसे ज्यादा नुकसान किन स्टेट्स का हो रहा है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे. नाउ बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन सम इसेंशियल कमोडिटीज आर वर्किंग, सम इसेंशियल बिजनेसेस आर वर्किंग, सो नियरली 40% इकोनॉमी इज स्टिल वर्किंग. ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है कि 40% इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही है पर उनका सप्लाई काफी कम हो चुका है. एक्टिविटीज हो रही है पर सप्लाई काफी कम है जिसके वजह से प्रॉब्लम हो रही है. दूसरा एक पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है, ओन रेवेन्यू स्टेट. नाउ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओन रेवेन्यू स्टेट्स.
ओन रेवेन्यू स्टेट्स क्या होता है, ध्यान दो, ऐसे स्टेट्स जहां पे प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है, ऐसे स्टेट्स जहां से चीजें ओरिजिन होती है, अगर उसके भरोसे वो पैसे कमाते हैं तो उसको ओन रेवेन्यू स्टेट कहते हैं। इंडिया में ऐसे ओन रेवेन्यू स्टेट देखिए, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, ये सबसे बड़े ओन रेवेन्यू स्टेट्स है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है, सेक्टर्स बहुत काम करते हैं। अब सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं स्टेट्स का हो रहा है, ऐसा इनका कहना है। अब इन स्टेट्स को रेवेन्यू में थोड़ा इशू या रेवेन्यू का थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस की बात करते हैं। लीकर सेल को प्रमोट किया है, नहीं तो लीकर सेल अभी तक बंद था, पर सेंटर में कोई गाली नहीं मार रहा है। नहीं तो नॉर्मली इंडिया में अगर दारू बेचने की बात करते तो लोग रस्ते पे आते, दारू की दुकान बंद करवाते हैं, पर ये पहली बार हो रहा है कि इंडिया में दारू की दुकानें बंद नहीं हो रही है, उल्टा गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि इसको ओपन कीजिए क्योंकि बहुत इनकम वहां से आता है, तो पहले हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा, लीकर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है जिससे स्टेट के पास और पैसा आएगा। और तीसरा, पेट्रोल महंगा कर दिया है, पेट्रोल डीजल, वैसे भी लॉकडाउन है, घूमना अलाउड नहीं है, जो घूम रहे उनके लिए पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया है, इससे इनकम किसके पास आएगा, स्टेट, क्योंकि जीएसटी जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा दारू और पेट्रोल ये जीएसटी के अंदर नहीं आता, अगर वो जीएसटी के अंदर नहीं आता तो इसके ऊपर लगने वाला कुछ हद तक टैक्स किसके पास जाएगा, स्टेट के पास। तो इसी खुशी के मारे या इसी के चक्कर में हमने ये सारी चीजें इंप्लीमेंट की है, तो याद रखिएगा। अब देखिए सोर्सेस क्या है स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू के, वी आर हैविंग SOTR, दैट इज स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू, ये उनका खुद का टैक्स रेवेन्यू है जहां से वो प्रोडक्शन से कमाते हैं। देन शेयर ऑफ सेंट्रल टू सेंट्रल टैक्सेस, जो है GST का कुछ शेयर होता है। देन नॉन रेवेन्यू का मतलब है स्कूल कॉलेजेस से आने वाला फीस, फाइन से आने वाला पैसा, आजकल फीस फाइन भी नहीं चल रही है, वो भी बंद हो गया। एंड कुछ ग्रांट्स जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है, वहां से स्टेट के पास पैसे आते हैं। एग्जाम के लिए ये पॉइंट याद रखना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू सोर्सेस, आपके सामने चारों सोर्सेस के नाम लिखे हुए, बिल्कुल गड़बड़ मत करना। मैं और आपको बताता हूं कि टैक्सेस कौन से आते हैं, ध्यान दीजिए, स्टेट के पास कौन से टैक्सेस आते हैं, स्टेट अपने पास कौन से टैक्सेस रखता है। पहला SGST हमें पता है, वैट वैसे जीएसटी के अंदर जा चुका है, पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर आज भी वैट लगता है, और ये वैट किसके पास जाएगा फिर, स्टेट के पास। दूसरा, एक्साइज ड्यूटी भी वैसे जीएसटी के अंदर जा चुकी है, पर लीकर के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, तो लीकर की एक्साइज ड्यूटी किसके पास जाएगी, स्टेट के पास। देन स्टैम्प्स, रजिस्ट्रेशन फी होता है ना, स्टैम्प पेपर या रेवेन्यू स्टैम्प होता है, उसका पैसा जाएगा। व्हीकल टैक्स, कौन सी गाड़ी चलेगी RTO से पास करवाना पड़ता है, उसका पैसा स्टेट के पास जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी भी GST के अंदर नहीं आता, उसका पैसा भी स्टेट के पास जाएगा। और खुद के नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस होते हैं, तो याद रखना हमने टैक्सेस देख लिए जो स्टेट के पास जाते हैं, और सोर्सेस देख लिए जहां से स्टेट इनकम कमाती है। इंटरव्यूज के लिए याद रखना कि जब स्टेट का रेवेन्यू इनकम कम होता है तो उनका रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कौन से एफर्ट्स आप लोग ले सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, तो तब याद रखिएगा will be the good thing। अब गुजरात के मामले में अलग जाएगा, गुजरात क्या कर सकता है, तो थोड़े innovations आपके दिमाग से भी आने चाहिए। इंटरव्यू में वही चेक करते हैं कि आपकी सोच कहां तक जाती है, तो थोड़ा उस एंगल में सोचिएगा, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, कार्बन एमिशन इज रेड्यूस अरविंद, पर विक्की जी का कहना सही है, इट इज बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, इट इज नॉट बिकॉज कि वी डिड सम गुड थिंग्स, इट इज बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। लॉकडाउन हटने दो फिर देखना कार्बन एमिशन कितना जबरदस्त तरीके से बढ़ता है। चलो नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग आते हैं। वेस्ट बंगाल को मेजर इरीगेशन और फ्लड मैनेजमेंट के लिए लोन मिलने वाला है AIIB और वर्ल्ड बैंक से। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल के बिहाफ में AIIB और वर्ल्ड बैंक से एग्रीमेंट साइन किया है दामोदर वैली कमांड एरिया के लिए। ये जो एरिया दामोदर वैली है, दामोदर रिवर काफी ज्यादा फ्लड इश्यूज क्रिएट करता है, और उसके लिए पैसा लिया गया, नियर अबाउट 413.8 मिलियन पैसा लगने वाला है इस प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए एग्रीमेंट साइन किया है। पैसा अभी तक प्रॉपर तरीके से फाइनलाइज नहीं हुआ है। 413.8 मिलियन इतना पैसा दामोदर प्रोजेक्ट के लिए लगेगा। दो ऑर्गेनाइजेशन पैसा देने वाली है, AIIB एंड वर्ल्ड बैंक। पैसा कहां यूज करेंगे, इरिगेशन के लिए, मॉडर्नाइज करना है हमें इरिगेशन, फ्लड मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये जो दामोदर रिवर है ना, इस रिवर का सीन ये है कि स्पेशली इन दिस एरिया ऑफ बिहार, झारखंड, या फिर बात करें इवन वेस्ट बंगाल, इवन ओडिशा, इन एरिया में काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स आते हैं इस रिवर के वजह से। हुगली रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरीज है ये सारी, और ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है।
नाउ व्हाट द सिचुएशन आ रहा है? नाउ ऑल ओके? ओके फाइन, आगे बढ़ते बिकॉज मुझे नहीं दिख रहा है कि सब आ रहा है. एनीवेज विल मूव विद द लेक्चर. ओके आई होप एवरीथिंग इज ओके. ओके वाईटी के तरफ से प्रॉब्लम है एक्चुअली, क्योंकि मेरा नेट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है. एनीवेज काफी स्टूडेंट्स आना जाना भी हो रहा है. फाइनली चलो आगे बढ़ते हैं, विल कवर द न्यूज. यस, दामोदर रिवर की बात करें तो ये छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर आता है और झारखंड वेस्ट बंगाल बरकार रिवर मेन ट्रिब्यूटरी है. नाउ क्वेश्चन, ये जो डिटेलिंग मैं आपको दे रहा हूँ ऑब्वियसली बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये डिटेलिंग आपको यूपीएससी या फिर बाकी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, याद रखना. इसको सॉर ऑफ बंगाल कहते हैं बिकॉज ये रिवर से फ्लड बहुत आता है, तो फ्लड मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बिल्कुल कंट्रोलेबल रिवर नहीं होती है एंड विच इज क्रिएटिंग द ह्यूज प्रॉब्लम. इसके कुछ कॉरपोरेशन की बात करें, 1948 में दामोदर वैली कॉरपोरेशन हमने क्रिएट किया था, पहला मल्टीपर्पज रिवर वैली कॉरपोरेशन है जो इंडिपेंडेंट इंडिया का है. तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी पहले भी आ चुका है, काफी बार आ चुका है, पर अभी याद रखिएगा, दामोदर वैली कॉरपोरेशन इज द फर्स्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जो मल्टीपर्पज रिवर के लिए बनाया गया. डैम्स की लिस्ट मैंने डाल के रखी हुई है इनकेस कभी कभी स्टैटिक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, डैम्स अगर पूछ लिए थोड़ा उसके तरफ याद रखिएगा. मैं इसका पीडीएफ वैसे ग्रुप में डाल दूंगा तो कि आपको याद रखने के लिए भी बेटर रहेगा. ओके अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आत्मनिर्भर भारत के ऊपर इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस के ऊपर. सबसे पहले मोदी साहब के अनाउंसमेंट की बात करेंगे और बाद में पांचों के पांचों पैकेजेस की बात करेंगे कि पैकेजेस में क्या क्या बातें की गई है. We'll cover step by step, we'll cover every beat of this particular news which is very important for the exam point of view. Okay? चलो, सबसे पहली बात, आत्मनिर्भर को लोगों ने बहुत गलत ले लिया. सेल्फ रिलायंट होना है हमें, हमें अपने भरोसे काम करना है, नो डाउट अबाउट दैट. लोगों ने इसको इतना गलत ले लिया, लोगों ने क्या किया, मुझे व्हाट्सएप पे दो तीन मैसेजेस आए थे, आई सॉ द इवन द स्टेटस ऑफ द पीपल. लोगों ने लिस्ट बना ली कि कौन से फॉरेन ब्रांड्स है, कौन से इंडियन ब्रांड्स है. मोदी साहब का ये नहीं कहना कि फॉरेन ब्रांड खरीदना नहीं है, मोदी साहब का ये कहना है कि मेक इन इंडिया प्रमोट करना है. एक बात याद रखना, इट्स नॉट अबाउट परचेसिंग इंडियन ब्रांड्स और द फॉरेन ब्रांड, इट इज अबाउट कि एवरी ब्रांड शुड प्रोड्यूस इन इंडिया. हमें इंडिया में प्रोडक्शन करवाना है. आत्मनिर्भर होने का मतलब है चीजें इंडिया में प्रोड्यूस होनी चाहिए, फिर कोई भी प्रोड्यूस करे. अगर फॉरेन ब्रांड इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा है तो जॉब्स मिल किसको रहे, हमें. एक्सपोर्ट किसका बढ़ रहा है, इंडिया का, वो गवर्नमेंट को करना है. डोंट टेक इट अदरवाइज, उसको गलत तरीके से मत लीजिए, हमें वो नहीं करना, हम तो उल्टा एप्पल को बुला रहे हैं. सो अंडरस्टैंडिंग आपकी सही होना जरूरी है. अब इसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कराने पड़ेंगे और जिसके लिए 20 लाख करोड़ खर्च करने की मोदी साहब ने बात की, जो इंडिया के जीडीपी के 10% है. ये फैक्चुअल पॉइंट है, इसके तरफ याद रखिएगा. अब ये जो है पांच पिलर पे डिपेंडेंट है, आपको पता होगा, एक तो इकोनॉमी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हमें ग्रो करना है 2025 तक, देन हमारी सिस्टम, देन डेमोग्राफी जो पॉपुलेशन है, एंड द डिमांड्स, क्योंकि डिमांड बढ़ाना बहुत जरूरी है. तो इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड. सो EISDD, ये आपके पास पांच पिलर है. पांचों पिलर याद रखना, एग्जाम में 100% क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर भारत किन पांच पिलर पे काम कर रहा था. 20 लाख का पैकेज दिया, पर ये 20 लाख का फिस्कल स्टिमुलस नहीं है, ये फिस्कल स्टिमुलस नहीं है. अब ये फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है उसके तरफ ध्यान देते, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा. एप्पल जा रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं एप्पल को लाना है नहीं लाना है. अब पहली बात करते हैं कि इस स्ट्रैटेजी की, कि एग्जैक्टली ये स्ट्रैटेजी क्या है, ध्यान दो. फिस्कल स्टिमुलस, अब मोदी साहब ने कहा कि फिस्कल स्टिमुलस रहेगा, पर ये फिस्कल स्टिमुलस नहीं है, ये फिस्कल पैकेज नहीं है, ये पैकेज है मिक्स. लुक, यहां पे गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ में उन्होंने आरबीआई का भी फंड इंक्लूड कर लिया कि आरबीआई कहां कहां से पैसा देगा. नॉर्मली फिस्कल स्टिमुलस पैकेज में आरबीआई के या सेंट्रल बैंक के पैसे कैलकुलेट नहीं किए जाते. देखिए, नोवेयर इन द वर्ल्ड द फिस्कल पैकेज आर डिक्लेयर्ड इन दिस मैनर. केवल इंडिया है जहां पे ऐसा पैकेज अनाउंस किया गया है, इसलिए काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया. सीन ये होता है, फिस्कल एंड मॉनेटरी दो अलग अलग पॉलिसी होती है. फिस्कल पॉलिसी अलग से काम करेगी और मॉनेटरी पॉलिसी अलग से काम करेगी. मोदी साहब के इस पैकेज में उन्होंने दोनों को ऐड कर दिया, फिस्कल एज वेल एज मॉनेटरी.
तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ये पैकेज थोड़ा सा मिला जुला वाला है, वो फिजिकल पैकेज नहीं है। तो स्पेशली जब आप एग्जाम देने जाओगे या आप एसे लिखोगे या आप जब इंटरव्यू दोगे, तो इसको फिजिकल पैकेज मत बोलना, क्योंकि इसमें इस 20 लाख करोड़ में कम से कम 10 लाख करोड़ आरबीआई के भी जोड़े गए हैं। अगर बैंक्स के थ्रू पैसा आ रहा है तो कभी भी फिजिकल पॉलिसी का पार्ट नहीं होता है। अगर लोन के थ्रू पैसा आ रहा है तो कभी भी फिजिकल पॉलिसी का पार्ट नहीं होता है, वो हमेशा मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होता है। इसके तरफ ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। इज एवरीथिंग ओके? इज एवरीथिंग ओके? चलो नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। ये शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, यहां पे बिल्कुल भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। या फाइन, क्योंकि मेरे स्क्रीन के ऊपर मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। चलो इकोनॉमिक स्टिमुलस वन की बात करते हैं। फर्स्ट स्टिमुलस सबसे बड़ा स्टिमुलस पैकेज था, इसमें काफी पैसे दिए गए। नाउ दो चीजें, एक में पैसा डाला गया और दूसरा सपोर्ट दिया गया, दोनों की बात करते। सबसे पहले टैक्स पेयर्स की बात करते। नाउ टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स जो पे करने थे उसको नवंबर तक शिफ्ट करवा दिया। सबसे पहला बात तो वो कर दी। टीडीएस और टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स एंड टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, उसको 25% से कम कर दिया, जो बहुत अच्छी बात है। मीन्स गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यू कम कर दिए। देखिए, पैसे देना अलग होता है और आने वाले रेवेन्यू को पहले ही रोक देना एक अलग बात होती है। तो गवर्नमेंट ने आने वाले रेवेन्यू में कट कर दी, जो यहां पे आएगा टीडीएस और टीसीएस में। दूसरा, प्रोविडेंट फंड के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है, तो वहां से 10% 12 to 10% हमने वहां पे थोड़ा कट कर दिया, ताकि प्रोविडेंट फंड में थोड़ा सा कम पैसा है, ताकि लोग पैसा यूज कर पाए। तो ये हो गया सिंपल कॉमन लोगों के लिए, सैलराइड वर्कर और टैक्स पेयर्स के लिए। ये पॉइंट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? चलो एनबीएफसी की बात करते हैं। एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में एनबीएफसी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। और एनबीएफसी की हालत इतनी खराब है कि गवर्नमेंट ने कहा कि उनको 45,000 करोड़ का पार्शियल क्रेडिट गारंटी पैकेज दे दी। उनको पैकेज, उनको लोन प्रोवाइड करते हैं एनबीएफसी को, क्योंकि एनबीएफसी दिन ब दिन बंद होते जा रही है और ग्राउंड लेवल पे एनबीएफसी काम करती है। अगर कोई बिजनेस बंद होता है, अगर खेती काम नहीं करती है, तो सबसे बड़ा नुकसान एनबीएफसी का होता है। इसलिए एनबीएफसी को एक पैकेज दिया गया। पैकेज बड़ा यूनिक है, उसके तरफ ध्यान रखिएगा। 20% जो लॉसेस रहेंगे, ये लॉसेस सेंटर बियर करेगा। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, सपोज एनबीएफसी को बैंक ने लोन दे दिया और एनबीएफसी बैंक का लोन पे करने में गलत कर दिया, नहीं पे कर पाए, तो अगर उन्होंने फेल्यूर हो गया या वो पे नहीं कर पाए, तो 20% उस लोन का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। 80% एनबीएफसी को ही देना पड़ेगा, पर 20% लॉसेस कौन बियर करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगेन, पैसा देने की जरूरत नहीं, फ्यूचर की बात की गई है, याद रखना। ये फ्यूचर की बात है कि फ्यूचर में अगर ये लॉसेस हुए तो ये लॉसेस हम दे देंगे। तो 45,000 करोड़ वहां पे हाउसिंग फाइनेंस और एनबीएफसी के लिए गवर्नमेंट ने डालने की बात की है, वो 20% की तरफ ध्यान रखना। नाउ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, सबसे बड़ा नुकसान इनका है या सबसे बड़ा लॉस इनके साथ होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ होता है ना। डिस्कॉम जिनको हम लोग कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो इलेक्ट्रिसिटी महावितरण होता है या फिर हर स्टेट में कोई ना कोई वितरण कंपनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी के सबसे ज्यादा नुकसान ये कंपनियां करती है। इसलिए इनको 90,000 करोड़ का लिक्विडिटी इंजेक्ट किया गया है। 90,000 करोड़ सबसे ज्यादा पहले फेज में इनको पैसा देने की बात की है, 90,000 करोड़, विच इज ह्यूज। अदरवाइज पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बंद हो जाएगी, अगर वो बंद हो गई तो प्रॉब्लम हो सकता है। चलो मुझे आप लोग बताइए, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए कौन सी योजना है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए कौन सी योजना है? स्टील बफरिंग, अरे यार, यस दोस्तों, स्टील बफरिंग। ओके, कुसुम, यस, पीएम कुसुम। शशांक ने बहुत सही आंसर किया, पीएम कुसुम। वेरी सॉरी, एक्चुअली बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है पुणे के अंदर, इट्स वेरी लाइक रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स हियर, सो बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ सकता है। वेरी सॉरी फॉर दैट, पीएम कुसुम, सॉरी सॉरी शशांक, पीएम कुसुम इज फॉर, वेरी सॉरी, मेरे से गलती हो गई। पीएम कुसुम इज फॉर सोलर, इट्स उदय 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 उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, वेरी सॉरी, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, वेरी सॉरी फॉर दैट, इट्स फॉर दिस डिस्कॉम्स, एंड कुसुम इज फॉर दिस
क्या कहते हैं हम लोग, सोलर, जो हम सोलर पंप लगवाते हैं उसके लिए है, कृषि उत्तम महाअभियान जिसको हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ रियल इस्टेट सेक्टर बहुत ज्यादा ट्रबल में है क्योंकि काम बंद हो चुके हैं। 6 मंथ्स का एक्सटेंशन वर्क कंप्लीट करने के लिए मिला है रियल इस्टेट सेक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर्स को। अगर आप गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है तो 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया कि आप और 6 महीने बाद कर सकते हो, प्लस उनको 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिला है रेरा के तरफ से। रेरा रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड जो डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट है उसके अंदर 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिला है रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके अलावा बैंक के तरफ से जो गारंटी थी उसको थोड़ा सा ईज कर दिया, बैंकों को बोला है कि आप ज्यादा फोर्स मत कीजिए उनको। एक और चीज है, कोविड की वजह से इसको फोर्स मैज्योर इवेंट करके ट्रीट करेंगे। फोर्स मैज्योर इवेंट क्या होता है आपको याद होगा, फोर्स मैज्योर हमने डिस्कस किया था, कोई बताएगा रिगार्डिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स मैज्योर? एनीवन? यस, फोर्स मैज्योर, फोर्स मेजर का एक न्यूज था इंश्योरेंस वाला, अगर आपको याद होगा मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि इंश्योरेंस कंपनीज ने कोरोना को फोर्स मेजर करके ट्रीट करने से मना कर दिया। बट अभी रेरा, फोर्स मेजर का मतलब है गॉड ऑफ एक्ट होता है ना, सडनली कुछ हो गया, सडनली अगर कुछ हो गया तो हमें चीजें बंद करनी पड़ती है, गॉड ऑफ एक्ट, सडनली सपोज नेचुरल कैलेमिटी आ गया, कुछ हो गया तो हमें सडनली चीजें बंद करनी पड़ती है, तो हम रेरा को फोर्स मेजर करके ट्रीट करेंगे। तो रेरा के अंदर अभी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, रीजन हम दे सकते हैं कि कोरोना था इसके वजह से हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो कोई भी आपके ऊपर एक्शन नहीं लेगा, तो ये चीज है। यस 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 यस, वेरी गुड। बफरिंग, स्टील बफरिंग, नाउ ग्लोबल टेंडर्स डिसअलाउड, नाउ ग्लोबल टेंडर्स डिसअलाउड, मुझे बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं, जिनको प्रॉब्लम्स हो रही है यू कैन लीव द सेशन, रिकॉर्डिंग वाला देख लीजिएगा, मैं आई विल ट्राई टू कवर द सेशन। ग्लोबल टेंडर्स टू बी डिसअलाउड, नाउ 20 लाख के, सॉरी, अगर ग्लोबल टेंडर से 200 करोड़ के ऊपर का अगर टेंडर है, या अप टू 200 करोड़ का, सॉरी 200 करोड़ का तक का अगर टेंडर है, तो 200 करोड़ के सारे टेंडर केवल केवल लोकल कंपनीज को दिए जाएंगे। तो हमारी कंपनीज को प्रमोट करने के लिए, लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए ये ग्लोबल टेंडर डिसअलाउड वाला कंसेप्ट डाल दिया गया है। याद रखना 200 करोड़ तक के केवल इंडियंस को प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, चलो, ओके फाइन, चलो, क्योंकि वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आएंगे अभी, राइट नाउ कांट हेल्प। चलो, न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके तरफ ध्यान रखिएगा। नाउ अभी एमएसएमई का जो डेफिनेशन है विल बी डिपेंडिंग ऑन टू थिंग्स, एक तो इन्वेस्टमेंट्स और दूसरा टर्नओवर, ये दो क्राइटेरियाज है। पहले केवल आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर आता था, पर अभी इन्वेस्टमेंट एज वेल एज टर्नओवर दोनों के हिसाब से डेफिनेशन आएगा। पहले डेफिनेशन मैन्युफैक्चरिंग का अलग था, सर्विस सेक्टर का अलग था, पर अभी सबके डेफिनेशन एक ही कर दिए। डेफिनेशन चेंज करने की बात वैसे काफी दिनों से चल रही थी, कुछ नई बात नहीं है, 1.5 साल से बात चल रही थी डेफिनेशन चेंज करेंगे, टाइम अच्छा मिल गया, डेफिनेशन चेंज कर दी। देखिए अभी डेफिनेशन जो है ये है रिवाइज डेफिनेशन माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। माइक्रो का डेफिनेशन है कि लेस देन 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और लेस देन 5 करोड़ का टर्नओवर अगर है तो उसको माइक्रो इंडस्ट्री माना जाएगा। याद रखना, लेस देन 1 करोड़ एंड लेस देन 5 करोड़ का टर्नओवर है तो माइक्रो इंडस्ट्री, 10 करोड़ से नीचे इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ से नीचे टर्नओवर है तो स्मॉल इंडस्ट्री, 20 करोड़ के नीचे इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ के नीचे टर्नओवर है तो मीडियम इंडस्ट्री कहा जाएगा। सो नाउ वी आर हैविंग न्यू डेफिनेशन, एग्जिस्टिंग डेफिनेशन वॉज डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट्स, बट न्यू डेफिनेशन इज डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट एज वेल एज एनुअल टर्नओवर, दोनों की बात की जा रही है, और जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% लिख लो मुझसे, 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एमएसएमई की नई डेफिनेशन बताइए। सो न्यू डेफिनेशन इज डिपेंडिंग ऑन टू क्राइटेरियाज, बिल्कुल गड़बड़ मत करना, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़ एंड 100 करोड़ विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनारियो फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बढ़ते, इन्फ्यूजन ऑफ लिक्विडिटी, नाउ यहां पे इन्फ्यूजन ऑफ लिक्विडिटी मीन्स पैसे डालने की बात की है, ध्यान दीजिएगा, 3 लाख करोड़ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन ऑफ कोलेटरल फ्री लोन्स ऑफ 3 लाख करोड़ फॉर एमएसएमईज। अगर इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़े 3 लाख करोड़ तक का लोन दिया जाएगा 4 ईयर एंड देयर वोंट बी एनी मोरेटोरियम फॉर 12 मंथ्स।
सॉरी, देयर विल बी मोरेटोरियम ऑफ 12 मंथ्स, मींस एक साल तक लोन भी पे करने की जरूरत नहीं, हफ्ते भी पे करने की जरूरत नहीं है, टेन्योर चार साल का रहेगा और कोई गारंटी या कोई कोलैटरल देने की जरूरत नहीं है. 3 लाख करोड़ एमएसएमई को दिए जा रहे हैं. याद रखना, सिंपल क्वेश्चन है, 3 लाख करोड़ का लोन किसको मिलेगा? एमएसएमई. गारंटी रखने की जरूरत नहीं है. मोरेटोरियम 12 महीने का रहेगा, मींस आपके हफ्ते 12 महीने बाद शुरू होने वाले हैं और 4 साल का ये टेन्योर रहेगा. तो इन दैट वे कंपनीज या स्मॉल इंडस्ट्रीज काफी ग्रो कर सकती है. सबॉर्डिनेट डेट स्कीम्स की बात करते हैं. सबॉर्डिनेट स्ट्रेस, जो बहुत ज्यादा ही ट्रबल में है, जो एमएसएमईज है, जो बिजनेस बहुत ज्यादा ट्रबल में, बहुत स्ट्रेस है, मींस अभी उनको ताला ही मारना पड़ेगा, ऐसे इंडस्ट्रीज के लिए 20,000 करोड़ का लोन दिया गया. वो 3 लाख करोड़ तो सबके लिए था, सारे एमएसएमईज के लिए था, पर ये 20,000 करोड़ स्ट्रेस के लिए है जो बहुत ज्यादा ट्रबल फेस कर रहे हैं. 10,000 करोड़ का इक्विटी फंडिंग एमएसएमईज में डाला जाएगा शेयर्स के थ्रू. इक्विटी फंडिंग का मतलब है शेयर्स के थ्रू, मींस एमएसएमईज को शेयर्स बेचने की परमिशन मिली है, बट नॉट थ्रू शेयर मार्केट्स, बट बिन अदर सोर्सेस. अदर सोर्सेस से जा सकते हैं, तो इक्विटी बेच के भी 10,000 करोड़ का फंड वो लोग रेज कर सकते हैं. ये पॉइंट याद रखना. चलो, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. यहाँ पे काफी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं और आने वाले हैं. अगेन, यहाँ पे गवर्नमेंट ने, एक बात याद रखना, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहीं पे भी अपने जेब से पैसा नहीं डाला है, कहीं पे भी अपने जेब से पैसा नहीं डाला है, ये कैच है. नहीं तो आप बोलोगे गवर्नमेंट ने पैसा डाला, नहीं, यहाँ पे लोन की बात की है, यहाँ पे इक्विटी की बात की है, यहाँ पे बैंकों को बोला गया है कि आप थोड़ा पैसा अलाउ कीजिए, गारंटी गवर्नमेंट लेगा, पर गारंटी गवर्नमेंट फिलहाल जेब से पैसे यहां पे नहीं डाल रहा है. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है. यहां पे फंड्स ऑफ फंड्स का मतलब क्या होता है शशांक, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. फंड्स ऑफ फंड्स का मतलब ये होता है कि सपोज एनबीएफसी किसी को फंड दे रही है, पर एनबीएफसी को फंड चाहिए, तो एनबीएफसी कहीं और से, तो ये जो फंड है, फंड्स ऑफ फंड मींस एनबीएफसी विल बी द नॉर्मल फंड, इन्होंने किसी को फंड दिया, अब इनको फंड की जरूरत है, तो इसको फंड्स ऑफ फंड कहते हैं. सपोज मैंने झोपड़पट्टी के पुनर्वसन के लिए कुछ फंड बना के रखा है, अब इस फंड ही कम हो रहा है, तो इसको फंड करने के लिए मैंने कहीं और से फंड जुगाड़ा, तो इसको फंड्स ऑफ फंड कहते हैं. यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है. चलो आगे बढ़ते, स्टिमुलस पैकेज 2 पे आते हैं. स्टिमुलस पैकेज 2 वॉज मोस्टली अबाउट द माइग्रेंट लेबर्स, मोस्टली अबाउट द एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन, इसके बारे में बात की है. और बहुत अच्छा अनाउंसमेंट यहाँ पे, 5 kg पर माइग्रेंट लेबर या 1 kg चना, यहाँ पे फूड ग्रेन्स की बात की है, 5 kg पर माइग्रेंट और 1 kg चना पर फैमिली पर मंथ दिया जाएगा. 2 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा. और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो कोरोना के टाइम लॉन्च की गई थी, इसी योजना के अंदर इसको कवर करेंगे. और यहाँ पे 3,500 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करने वाला है. तो यहाँ पे पैसे आ गए, यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रॉपर लिक्विडिटी डाल दी है. रीफाइनेंसिंग मीन्स वापस एक बार फाइनेंस देना या वापस एक बार उनको पैसे प्रोवाइड करना, उसको रीफाइनेंस कह सकते हैं. ओके तृप्ति जी, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. वन नेशन वन रेशन कार्ड, यस, 2021 तक हमें वन नेशन वन रेशन कार्ड लाना था. इसको पहले भी अनाउंस किए थे कि वन नेशन वन रेशन कार्ड हम लोग पायलट बेसिस पे काफी स्टेट्स में इंप्लीमेंट कर रहे थे, पर फाइनली इसको इंप्लीमेंट कर दिया कि भाई देश में कहीं भी जाइए, रेशन कार्ड दिखा दो किसी भी स्टेट का, किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको अनाज मिलेगा, जिससे थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा ट्रबल माइग्रेंट लेबर्स का कम होने वाला है. सो वन नेशन वन रेशन कार्ड फाइनली आ चुका है. दूसरा, रेंटल, अफोर्डेबल रेंटल, रेंटल हाउसिंग नई स्कीम है और नई चीज़ है, अभी तक प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं की. उन्होंने कहा है कि लॉन्च सून, हम जल्दी लाने वाले हैं, पर एक नई स्कीम आ रही है रेंट को लेके. प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिल रहे थे, अफोर्डेबल हाउसिंग मिल रही थी, यहाँ पे रेंट के लिए भी गवर्नमेंट सपोर्ट करने वाली है. तो पीपीपी मॉडल में ऐसे अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे. अगर कोई माइग्रेंट लेबर है, किसी सपोज कोई यूपी से महाराष्ट्र में आता है और उसको सस्ते दरों पे रेंटेड घर चाहिए, तो ये अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के अंदर घर बनने वाले हैं. तो एक नई स्कीम है, यूनिक स्कीम है, जो आज तक कभी इंडिया में नहीं आई थी. थोड़ा इसके तरफ ध्यान रखिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा ही मैटर करेगा, क्योंकि ये नई स्कीम है, ऐसी कोई स्कीम अभी तक इंडिया में नहीं थी. दूसरा, इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ शिशु मुद्रा लोन्स. शिशु मुद्रा, मुझे बताइए ये मुद्रा लोन्स के कितने टाइप्स होते हैं, जल्दी से आंसर करो, मुद्रा लोन्स के कितने टाइप्स होते हैं.
यस, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर ही रेंटल हाउसिंग स्कीम आने वाली है। नीलेश का बहुत सही कहना है, सही है आपका नीलेश। मुझे बताइए मुद्रा योजना के अंदर कौन से टाइप्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल शिशु मुद्रा की बात की है। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि मुद्रा लोन के अंदर कौन से टाइप्स आते हैं। फास्ट, तीन तीन टाइप आते हैं, उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन कोई करेगा? यस, अरविंद ने कर दिया। शिशु, किशोर, तरुण। यस, शिशु अप टू 50,000, 50,000 रुपए तक का जो लोन रहेगा वो शिशु के अंदर जाता है। देन वी आर हैविंग किशोर एंड वी आर हैविंग तरुण। किशोर के अंदर कितने तक का लोन जाता है और तरुण के अंदर कितना लोन जाता है, जल्दी कोई बताएगा? यस दोस्तों, यस आपका आंसर सही है सबका, बहुत बढ़िया, गुड गुड, वेरी गुड। मैक्सिमम 10 लाख, नो 50,000 है दोस्त, 10 लाख कहां पे जाएगा, जल्दी से आंसर कर दो। यस, मैं तब तक शिशु को एक्सप्लेन करता हूं, ये केवल शिशु के लिए, किशोर और तरुण इसमें इंक्लूड नहीं किया है। शिशु में 50,000 तक का लोन मिलता है और उस 50,000 तक का जो भी आप लोन लोगे उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगने वाला था उसमें 2% का आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा है। मीन्स सपोज मैंने 5% से लोन लिया तो मुझे अभी 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। इसका मतलब है मुझे केवल 3% के हिसाब से ही लोन पे करना पड़ेगा, 2% का जो मेरा इंटरेस्ट था वो माफ किया गया है। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब है लोन माफ कर देना। यस, आप लोगों ने बहुत सही बताया, शिशु 50,000, किशोर 5 लाख और तरुण 10 लाख, बहुत बढ़िया। 10 लाख तक के लोन होंगे तो आप तरुण में जाओगे, 5 लाख तक का होगा तो किशोर में जाएगा और शिशु में 50,000 तक का। याद रखना यहां पे 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिला है, मीन्स जो इंटरेस्ट लग रहा था इस लोन के ऊपर उस इंटरेस्ट में से 2% कम कर देंगे, ये अनाउंसमेंट उन्होंने की है। स्ट्रीट वेंडर्स, सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हुआ होगा जिसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे वो है स्ट्रीट वेंडर्स। रस्तों पे जो काम करते थे या कोई रेडी लगती थी या कोई दुकान लगते थे, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5,000 करोड़ का उन्होंने क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात की है, क्योंकि 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के जॉब नुकसान पे है, उससे ज्यादा ही लोग नुकसान में है, तो इन्होंने इतना पैसा देने की बात की है। यहाँ पे देखिए, बैंक क्रेडिट फैसिलिटी फॉर इनिशियल वर्किंग कैपिटल ऑफ 10,000 फॉर ईच इंटरप्राइज, 10,000 का इनिशियल कैपिटल देने की बात की हुई है स्ट्रीट वेंडर। स्ट्रीट वेंडर है तो खर्चे भी इतने ज्यादा नहीं होते, तो 10,000 की यहां पे बात की है, 5,000 करोड़ उनके लिए अलग से निकाल के रखे हुए। ओके चलो, यस 10,000 पर वेंडर, यस एब्सोल्युटली राइट। अब आते हैं क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, ध्यान देना। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम का मतलब यह होता है सब्सिडी मिलेगी, पर किसके ऊपर मिलेगी, लोन के ऊपर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो भी आपने लोन लिया होगा, जो भी आपके लोन की किस्तें जा रही होगी, तो आपको इंटरेस्ट के ऊपर सब्सिडी मिलेगी। सपोज 10% का मेरा लोन है, 10% मेरा इंटरेस्ट लगता है, तो मुझे 5% ही पे करना पड़ेगा और बचा हुआ 5% शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी। इस तरीके से आपको क्रेडिट के ऊपर, लोन के ऊपर आपको सब्सिडी मिलने वाली है। मीन्स यू हैव टू पे दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, रेस्ट ऑफ द मनी विल बी पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसके लिए देखिए, बेनिफिट ऑफ 2.5 लाख मिडिल इनकम फैमिलीज को इसका बेनिफिट मिलेगा और इन्वेस्टमेंट ऑफ 70,000 करोड़ इन हाउसिंग सेक्टर, उससे फायदा मिल सकता है। लुक, अगर सब्सिडी मिलती है मुझे घर खरीदने में या घर का लोन पे करने में, या फिर अगर कोई फ्यूचर जिसको घर खरीदना है उसको पता चल रहा है कि सब्सिडी मिल रही है, तो और लोग घर खरीदने आएंगे, तो और हाउसिंग प्रोजेक्ट और रियल एस्टेट सेक्टर में और बूम आ सकता है। तो डिमांड क्रिएट करने के लिए ये चीजें करनी पड़ती है, एंड दैट इज द अनाउंसमेंट डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो याद रखना, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम का मतलब क्या होता है कि यहां पे आपके लोन के ऊपर सब्सिडी मिलेगी। दूसरा, कैंपा फंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंपा का फुल फॉर्म भी है कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। कैंपा याद रखना, काफी क्रूशियल रहेगा, कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी। फॉरेस्ट होते, फॉरेस्ट में से ट्राइबल लोग काफी चीजें बनाते हैं, बेचते हैं, फॉरेस्ट वाले एरिया में काफी काफी प्रोडक्शन भी होता है, तो उस एरिया में या वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए 6,000 करोड़ दिए जा रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन है काफी माइग्रेंट्स बड़े बड़े शहरों से गाँव की तरफ जा चुके हैं, उनका गाँव शायद ट्राइबल एरिया में आता है या फिर फॉरेस्ट वाले एरिया में आता है, वहां पर अगर हमने वर्किंग शुरू कर दी, वहां पर अगर नरेगा के अंदर अगर हमने जॉब्स क्रिएट कर दिए, कैंपा के अंदर अगर हमने जॉब्स क्रिएट कर दिए, तो इन लोगों को वापस बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं पे उनको रोजगार मिलेगा और उससे उनके पास पैसे आएंगे। सपोज कल अगर फिर से लॉकडाउन बढ़ गया, फिर से कोरोना आ गया, फिर से अगर हमें 6 महीने के लिए लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा, तो इन लोगों के पास काम रहेंगे और काम उन्हीं के गांव में या उन्हीं के विलेजेस में रहेंगे, तो उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए 6,000 करोड़ ऐसे नए जॉब क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने कैंपा में खर्च किए हैं। याद रखना, यहां गड़बड़ मत कीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करेगी।
नाबार्ड, नाबार्ड को 90,000 करोड़ तक का उन्होंने रीफाइनेंस प्रोवाइड किया। तभी किसी ने रीफाइनेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि रीफाइनेंस मीन्स नाबार्ड ऑलरेडी फाइनेंस करती, तो नाबार्ड को उन्होंने फाइनेंस प्रोवाइड किया रीफाइनेंस फैसिलिटी 30,000 करोड़ की, और ये फाइनेंस रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स के लिए, आरआरबीज को फाइनेंस मिलेगा और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को मिलेगा। अर्बन कोऑपरेटिव की बात नहीं हो रही क्योंकि नाबार्ड के अंदर रूरल कोऑपरेटिव बैंक और आरआरबीज आती है और इनकी हालत बहुत खस्ता है, बहुत खराब है, तो इनको जिंदा रखने के लिए, इनको वायबल रखने के लिए 90,000 करोड़ या उससे ज्यादा का भी फंड गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, ऐसी बात की गई है। इनिशियली अभी तो 30,000 करोड़ का रीफाइनेंस प्रोवाइड किया गया है, तो इन दोनों के तरफ ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके यस नीलेश, 31 मई तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन, महाराष्ट्र में बहुत जरूरत है क्योंकि मुंबई एंड पुणे देयर वी आर फेसिंग वेरी ह्यूज प्रॉब्लम ओवर हियर। चलो आगे बढ़ते, क्रेडिट बूस्ट टू किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, पहले से किसान क्रेडिट कार्ड उसमें और थोड़ा बूस्ट दे दिया गया, कम से कम एडिशनल लिक्विडिटी ऑफ 2 लाख करोड़ फार्म सेक्टर के लिए एंड 2.5 करोड़ फार्मर्स विल बी कवर्ड अंडर दैट। ऑलरेडी हमारे पास प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड या केसीसी जिसे हम लोग कहते हैं ऑलरेडी है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हमारे पास ऑलरेडी है, उसमें और पैसा डाल दिया गया। रीजन ये है कल फिर से अगर पैसा देना पड़े फार्मर को तो फार्मर के लिए कोई नई स्कीम लॉन्च करने की जरूरत नहीं, पीएम किसान हमारे पास है, 6,000 मिल रहे और एक्स्ट्रा 6,000 दे देंगे। केसीसी है, केसीसी के अंदर हम लोग लोन ले सकते हैं, तो वहां पे भी लोन अगर फार्मर को लेना तो उसको अलाउ कर देंगे, बाद में फिर वहां पे क्रेडिट सबवेंशन दे सकते हैं। मुझे कोई बताएगा ये जो फार्मर को लोन देते हैं केसीसी के अंदर उसमें क्रेडिट सबवेंशन कितना होता है, क्रेडिट वहां पे क्रेडिट अगर कम करना है तो कितना कितने परसेंट का जाता है, किसान के जो लोन्स होते हैं वहां पे क्रेडिट सबवेंशन स्कीम कितने परसेंट पे काम करती है, कोई बताएगा उसका आंसर जल्दी से, एनीवन नोस? 2% + 3%, ध्यान रखना 2% + 3%, 2% सबको मिलेगा प्लस जो प्रॉपर तरीके से पे करते हैं उनको 3% एक्स्ट्रा मिलता है, टोटल 5% हो गए। ओके 2% सारे फार्मर को मिलेगा और ऐसे फार्मर जो अच्छे से लोन पे करते हैं उनको और 3% एक्स्ट्रा देते हैं, तो टोटल कितना हो गया आपका 5%। ये 2018 के बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था, 2% + 3% याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है चलो इकोनॉमिक स्टिमुलस 3 पे आते हैं, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या फिर इसकी बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात की है या फिर मत्स्य उत्पादन की बात की गई है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की मतलब ये होता है कि एग्रीकल्चर को हेल्प करने के लिए जो जो इंडस्ट्रीज लगती है, सपोज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, सीड्स बनाने वाली इंडस्ट्री है, स्टोरेज हाउसेस है, तो उसको एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में लाएंगे, उसके लिए 1,00,000 करोड़ का फाइनेंस प्रोवाइड करने की गवर्नमेंट ने बात की है। फाइनेंस प्रोवाइड हो रहा है, इसका मतलब लोन प्रोवाइड हो रहा है और जो इमीडिएट बेसिस पे प्रोवाइड होगा फॉर एग्रीकल्चर के लिए, जो भी लगता है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है उसके लिए फंड प्रोवाइड किया जाएगा। ओके याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस। नाउ यहां पे है वोकल फॉर लोकल विथ ग्लोबल आउटरीच, यहां पे ये टैगलाइन दी है, तभी किसी ने शायद ये टैगलाइन यूज की थी, वोकल फॉर लोकल वाली, याद रखना ये माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस के लिए यूज की है। मैडम ने इसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया, मैडम ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आई विल कीप द नेम फूड माइक्रो इंटरप्राइजेस नॉट माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस, सो शी यूज हर ओन नेम बट द नेम रिटन ऑन द डॉक्यूमेंट्स इज माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस। माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस क्या होता है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे होता है ना महिला गृह उद्योग, जहाँ पे वेफर्स बनते हैं, कहीं पे अचार बनते हैं, ऐसे ऐसी जो इंडस्ट्रीज है जहाँ पे ऐसी फूड का पैकेजिंग किया जा रहा है उसको माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस कहा गया। उनको बोला गया है कि उनको टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए 2 लाख तक का हेल्प मिलेगा, 2 लाख तक का उनको हेल्प मिलेगा टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए, ताकि जो FSSAI के जो रूल्स होते हैं ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के जो रूल्स होते हैं, उनका जो तरीका होता है काम करने का, उसके सैंक्शंस उनको मिल पाए। अगर उनके सैंक्शंस इन छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को मिल गए तो ऑटोमेटिक इनका बिजनेस और बढ़ेगा। लेज कुरकुरे की बात करते हैं, बड़े इंडस्ट्रीज हो चुकी है, बड़ी इंडस्ट्रीज है, उनके पास बहुत फंड है, FSSAI के सारे नॉर्म्स वो लोग फॉलो कर सकते हैं, छोटे इंडस्ट्रीज वाले नहीं कर सकते, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो 2 लाख तक का फंड इनको प्रोवाइड किया जाएगा, याद रखिएगा। फोकस ये रहेगा कि जो बिजनेस वुमेन SC ST चलाते हैं उनके ऊपर पहले फोकस रहेगा। सपोज मेरे पास भी छोटा सा माइक्रो फूड इंटरप्राइज है और किसी फीमेल के पास है, तो बैंक वाले पहली प्रायोरिटी फीमेल को देंगे या SC और ST कैटेगरी वालों को देंगे, बाद में बाकी लोगों को मिलेगी, तो इसके साथ एम्पावरमेंट भी हो रहा है।
दूसरा क्लस्टर बेस्ड अप्रोच. क्लस्टर बेस्ड अप्रोच का मतलब है कि जिस एरिया में जो चीज फेमस है उस बिजनेस को पहले सपोर्ट किया जाएगा. फॉर एग्जांपल मैंगोज, मैंगोज रिलेटेड बिजनेस उत्तर प्रदेश पहले प्रेफरेंस मिलेगा, या कोंकण महाराष्ट्र वहां बिजनेस बन रहा है पहले प्रेफरेंस मिलेगा. टोमेटो कर्नाटक फेमस है पहले प्रेफरेंस मिलेगा. ऑरेंजेस महाराष्ट्र फेमस है तो पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा. तो क्लस्टर बेस्ड तरीके से हम लोग काम करेंगे ताकि लोकल बिजनेस को हमें ग्लोबल लेवल तक लेके जाना है. एंड दैट इज द पॉइंट दे आर मेंशन ओवर हियर, उसके तरफ ध्यान रखिएगा. ठीक है. नाउ मत्स्य संपदा योजना. मत्स्य संपदा योजना की बात तो बहुत दिनों से हो रही है, हमें वर्ल्ड में टॉप लेवल पे जाना है. तो इसके लिए या फिर फिशरीज के लिए, फिशरीज में दोनों आएगा, मराइन एज वेल एज इनलैंड. इनलैंड मीन्स रिवर के थ्रू हो रही है, मराइन आपको पता है सी के थ्रू हो रही है. उसके लिए 11,000 करोड़ फॉर एक्टिविटीज इन मराइन एंड फिश, मराइन इनलैंड एज वेल एज मराइन फिशरीज, एंड 9,000 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स फिशिंग का कोल्ड चेन है, उसका मार्केट है, उसका प्रमोशंस है, उसके लिए 9,000 करोड़. और प्रॉपर फिशिंग के लिए 11,000 करोड़ का एक्टिविटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किए. एक्चुअली पहले से अनाउंस की हुई थी, इसमें नया कुछ नहीं था, बस इसको रीपैकेज करके हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया. फोकस रहेगा, ये थोड़ा न्यू पैकेज है, आइलैंड मींस अंडमान निकोबार जैसा एरियाज, हिमालयन स्टेट क्योंकि रिवर्स वहां पे काफी बहती है, नॉर्थ ईस्ट में रिवर्स काफी है, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उनको हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, वहां पे इसका फोकस ज्यादा रहेगा. आप लोग मुझे बताइए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कौन डिसाइड करता है. जल्दी से मुझे बताइए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कौन डिसाइड करता है. यस दोस्तों, हाउ मेनी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स? 117 नीलेश और अरविंद का है. और कौन डिसाइड करता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स? यस गाइज, तब तक नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के ऊपर हम आते हैं. यस, नीति आयोग. यस एग्जैक्टली, नीति आयोग डिसाइड करता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में. नाउ इसी स्टिमुलस पैकेज में मैडम ने बात की थी नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल. काफी लोगों ने इसके लिए गाली भी मारी कि ये डिजीज एनिमल डिजीज कंट्रोल यहां पे डालने की क्यों जरूरत थी. जरूरत थी, फार्मर के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है एनिमल का, बहुत बड़ा प्रेशर होता है. काफी ट्राइबल लोग हैं जो एनिमल को पाल नहीं पा रहे, इसके वजह से एनिमल को छोड़ के चले जा रहे हैं कि कुछ नहीं कर सकते, अब कैसे पालेंगे एनिमल्स को क्योंकि उनको चारा नहीं है और उनको डिजीज भी काफी हो रहा है, डिजीज के ऊपर काफी खर्चा होता है. तो 100% वैक्सीनेशन देने की बात की है जिसके लिए 13,000 करोड़ गवर्नमेंट खर्च कर रहा है. और ये जरूरी है क्योंकि एनिमल्स अगर बचे रहेंगे तो एग्रीकल्चर को काफी हेल्प हो सकती है, क्योंकि सब्सिडरी बिजनेस है, अलाइड बिजनेस है, इसलिए उसको हेल्प करना जरूरी है. दो डिजीज है, फूट एंड माउथ डिजीज एंड ब्रुसेलोसिस. अगर आपने देखा होगा बजट के अंदर गवर्नमेंट ने, निर्मला जी ने अनाउंस किया था कि 2025 तक हमें इंडिया में सारे एनिमल्स को डिजीज फ्री करवाना है, उनको उनमें कोई भी ऐसा डिजीज नहीं होने चाहिए. तो वैक्सीनेशन का अनाउंसमेंट वैसे भी बजट में किया था, अभी उसके लिए प्रॉपर 13,000 करोड़ का आउटले करवा दिया है ताकि यहां पर दिक्कत ना जाए. यस, आगे बढ़ते हैं. एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर, एनिमल हस्बेंड्री स्पेशली डेयरी की यहां पे बात की गई है. डेयरी में देखिए 15,000 करोड़ विल बी सेट अप टू एम सपोर्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. नाउ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए एक फंड बनाया जाएगा 15,000 करोड़ का. अब यहां पे गवर्नमेंट पता है क्या करेगी, एक फंड बनाएगी डेयरी प्रोसेसिंग फंड नाम से, उसमें लोगों से पैसा इकट्ठा करेगी और बाद में जिसको लोन देना है उसको लोन देगी. यहां पे डायरेक्टली लोन देने की बात नहीं की है, पहले गवर्नमेंट फंड क्रिएट करेगा, उस फंड के अंदर पैसे कलेक्ट करेगा और बाद में पैसे आगे दिए जाएंगे. तो शायद डेयरी के नाम पे बॉन्ड्स आएंगे, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आएंगे, गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स बेचेगा, पैसे लाएगा और बाद में डेयरी को प्रोवाइड किया जाएगा. नीश प्रोडक्ट्स, नीश प्रोडक्ट्स मींस जो स्पेसिफिक सेक्शन या जो से ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, उसको नीश प्रोडक्ट्स हम लोग कह सकते हैं, इसको हम प्रमोट कर रहे हैं. ये नीश प्रोडक्ट्स काफी महंगे होते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपने देखे काफी महंगे मिलते हैं. नॉर्मल दाल खरीदने जाइए सस्ती मिलेगी, ऑर्गेनिक दाल खरीदने जाइए महंगी मिलेगी. तो इनको हमें टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाना है, इनका मार्केटिंग बढ़ाना है और लोगों तक पहुंचाना है ताकि इनका भी बिजनेस बढ़ सके. और जितना ऑर्गेनिक बढ़ेगा उतना ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट आएगा. ZBNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, आपने कंसेप्ट सुना होगा, बजट के अंदर अनाउंस किया था. तो इसी कंसेप्ट को सपोर्ट करने के लिए ये नीश प्रोडक्ट्स और ये एनिमल हस्बेंड्री की तरफ ध्यान दिया गया है. आगे बढ़ते हैं, हर्बल कल्टीवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे आप लोग बहुत क्वेश्चंस फेस करने वाले हो, ध्यान दो. हर्बल कल्टीवेशन ने गवर्नमेंट ने क्या किया, 4,000 करोड़ का आउटले दिया है और 5,000 करोड़ का इनकम जनरेशन इससे हो सकता है, ऐसा उनका कहना है. 10,00,000 हेक्टेयर जमीन पे हर्बल्स को कल्टीवेट किया जाएगा और जिसको मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के लिए यूज करेंगे. अब इसमें गवर्नमेंट ने पता क्या किया, देखिए गंगा का कॉरिडोर,
गंगा के जो बैंक्स है ना गंगा के अगल बगल में, वहां पे कल्टीवेशन करते हैं। गवर्नमेंट का स्मार्ट मूव है, स्मार्ट मूव इसलिए कि गंगा का जो बैंक है वहां पे गंदगी करते रहते लोग, तो अगर गंगा को स्वच्छ करना है तो वहां पे ये हर्बल कल्टीवेशन शुरू कर दो। एक तो पानी भी बड़ा अच्छा मिलेगा, गंदगी भी नहीं होगी, तो गंगा भी क्लीन रहेगी, पानी भी मिलेगा, कल्टीवेशन स्ट्रांग होगा और मेडिसिनल बिजनेस बहुत प्रमोट हो सकता है। तो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ऑलरेडी हमारे पास है जो आयुष मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है और जिसमें हम लोग नई चीज ला रहे हैं, और इसी कल्टीवेशन को फार्मर को भी बोला कि आप भी कल्टीवेट कीजिए, हम आपसे खरीद लेते हैं। तो एक तो आयुर्वेदा प्रमोट होगा, आयुष के थ्रू वो प्रमोट होने वाला है, हमारे इंडिजिनियस मेडिसिंस प्रमोट होंगे, दूसरा फार्मर को इनकम मिलेगा क्योंकि जमीन ऐसी पड़ी हुई है, उससे अच्छा हर्बल्स करो, प्लस गंगा का बेसिन भी ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। तो बड़ा स्मार्ट मूव यहाँ पे किया हुआ है। यस, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो सबसे पहले जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग वॉज स्टार्टेड बाय कर्नाटका, बट आंध्र प्रदेश अनाउंस कि विद इन फ्यू ईयर्स वो 100% इसमें काम करेंगे, बट इनिशिएशन वॉज ऑलवेज डन बाय कर्नाटका, ये पॉइंट याद रखना, नीलेश्वर अरविंद, ठीक है। बट नाउ दे आर सेइंग कि 100% ZBNF के ऊपर काम फिलहाल आंध्र प्रदेश ही कर रहा है, वो पॉइंट आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बी कीपिंग। नाउ बी कीपिंग के ऊपर आते हैं, बी कीपिंग के लिए 500 करोड़ दिए गए क्योंकि बी कीपिंग अलाइड बिजनेस है, अगर किसी फार्मर को बी कीपिंग भी करना है तो इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर्स गवर्नमेंट ने बनाने की बात की है और जिसके लिए 500 करोड़ दिए जा रहे हैं, सिंपल है। नाउ एक्सटेंशन ऑफ ऑपरेशन ग्रीन। नाउ ऑपरेशन ग्रीन में देखिए टोमेटोज अनियन पोटैटो टॉप ये कंसेप्ट दिया था, इसके ऊपर काफी बवाल भी हुआ था कि हम इसको प्रमोट करेंगे टोमेटोज अनियन पोटैटोज, तो इस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए दे नियरली प्रोवाइडेड 500 करोड़ का उन्होंने आउटले दिया हुआ है, उसमें 50% सब्सिडी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर मिलेगी और 50% सब्सिडी स्टोरेज के ऊपर मिलेगी। लुक, टोमेटो अनियन पोटैटो जैसे होता है ना, वीट एंड राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे टोमेटो अनियन पोटैटो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पे 500 करोड़ का आउटले दिया गया। ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्टर होना चाहिए क्योंकि जल्दी सड़ जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा, तो 50% की सब्सिडी ट्रांसपोर्टेशन पे रहेगी। सपोज 500 रुपए का खर्च आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन का, तो मुझे 250 ही देने पड़ेंगे, 250 गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे, और स्टोरेज जो कोल्ड स्टोरेज चेन्स है उसमें भी 50% का मुझे यहाँ पे सब्सिडी मिलने वाला है, इसके तरफ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यस, ये टॉप जो है ना, ये काफी एक 1.5-2 साल हो चुके, ये टॉप वाला कंसेप्ट दिया था टोमेटो अनियन पोटैटो, तब काफी बवाल हुआ था कि ये क्या नए नए फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म लाते रहते हो, बट ठीक है, चलो याद रखिएगा। आगे बढ़ते इसेंशियल कमोडिटीज। नाउ इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर चेंजेस करने की बात की है क्योंकि सीरियल्स, एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स, अनियंस, पोटैटोस, इसको डीरेगुलेट करना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर रेगुलेशन है, इसके प्राइसेस को रेगुलेट किया जाता है, इसको डीरेगुलेट करना पड़ेगा और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर लाना पड़ेगा ताकि इसके स्टॉक्स को मेंटेन किया जा सके, तो ये भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके लिए कोई अलग से पैसे देने की बात नहीं की गई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मर के लिए, फार्मर को बहुत अच्छा एक रिलीफ मिला हुआ है, फार्मर को चॉइस दिया गया है कि आपको आपके अगल बगल वाले एपीएमसी में बेचना कंपलसरी नहीं है, नॉट बाइंडिंग, बिल्कुल बाइंडिंग नहीं है। अभी तक बाइंडिंग था कि उसी एरिया के एपीएमसी में बेचना पड़ेगा, उसी मंडी में बेचना पड़ेगा, अभी बिल्कुल बाइंडिंग नहीं है। आपको ऑनलाइन बेचना है बेचिए, आपको किसी और मंडी में बेचना है बेचिए, किसी प्राइवेट वाले को बेचना है बेचिए, लोकल एपीएमसी वाले जबरदस्ती नहीं कर सकते। फार्मर बहुत रिलैक्स हो जाएगा, बहुत रिलैक्स होने वाला है फार्मर, फार्मर को काफी अच्छा खासा पैसा मिलेगा। इसकी एक और चीज है, इन्फ्लेशन के ऊपर काफी इंपैक्ट आएगा, अगर फार्मर को अलग अलग चॉइसेस मिलती है तो इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा हद तक हमारे कंट्रोल में रहेगा। नहीं तो ये होता है ना, फार्मर से एपीएमसी वाले खरीद लेते और मार्केट में नहीं लाते, मार्केट में नहीं लाएंगे तो ऑटोमेटिक दाम बढ़ जाते, हमने दिसंबर मंथ में देखा था अनियन के दाम काफी बढ़ गए थे। तो अगर आपको इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रखना है, 4% का हमारा टारगेट है, वहां तक अगर आपको इन्फ्लेशन रखना है तो फार्मर को चॉइसेस देनी पड़ेगी ताकि फार्मर अच्छी तरीके से हर जगह बेच पाए, एंड दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट फोर्थ पैकेज पे आते, फोर्थ पैकेज वॉज रिगार्डिंग माइनिंग सेक्टर, माइनिंग सेक्टर का पैकेज था फोर्थ वाला, कोल सेक्टर की बात करते। नाउ कोल सेक्टर के लिए देखिए, कोल बेड मिथेन को भी ऑप्शन किया जाएगा, 50,000 करोड़ ये हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च कर रही है, माइनिंग
माइनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये की हुई है कि हमने प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर दिया है कि नाउ प्राइवेट प्लेयर्स कैन बी द पार्ट ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज. सबसे बड़ा अनाउंसमेंट. इसके वजह से काफी बवाल भी हुआ है क्योंकि कोल सेक्टर या कोई भी माइनिंग की बात करते तो गवर्नमेंट काफी इन्वॉल्वमेंट दिखा रही थी, पर अभी इसको ओपन कर दिया है. नाउ इट इज ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर. कोल बेड मीथेन, कोल के ऊपर ना एक मीथेन का लेयर होता है, उसको भी लोग एक्सकेवेट करते हैं, उसका भी बड़ा बिजनेस बनता है. इंडिया में एक्टिविटी बड़ी कम होती है, इसको प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ की बात की गई है कि यहाँ पे हम स्पेंड कर सकते हैं. नाउ मिनरल्स की बात करेंगे. मिनरल्स के लिए भी सेम है, स्पेशली बॉक्साइट्स और कोल, इन दोनों के लिए मेंशन किया है. एक है मिनरल इंडेक्स, ये ध्यान रखना यहाँ पे क्वेश्चन आएगा. मिनरल इंडेक्स का मतलब है अभी हम रैंकिंग लगाएंगे कि विच माइनिंग इंडस्ट्री इज डूइंग गुड, विच माइनिंग इंडस्ट्री इज नॉट डूइंग गुड. जब इंडेक्स आता है ना, जब रैंकिंग आती है तो ऑटोमेटिक कॉम्पिटिशन बढ़ती है, और कॉम्पिटिशन अगर बढ़ेगा तो फायदा होने वाला है. एल्यूमिनियम इंडस्ट्री बिकॉज बॉक्साइट के ऊपर डिपेंडेंट है, और कोल, इसके ऊपर काफी काम गवर्नमेंट ने करने की बात की है. एक और बताएगा, ध्यान रखिएगा मिनरल इंडेक्स, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रेगुलर क्लास, मेरी क्लासेस संडे से संडे होती है. एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, कल से मंडे से मॉर्निंग 9 o'clock मैं SBI PO के बैचेस स्टार्ट कर रहा हूँ. सो SBI PO की स्पेशल फोकस बैचेस यूट्यूब पे कल सुबह 9 बजे रहेगी, और 9 बजे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल दिक्कत मत करिएगा. नहीं, क्लास सही चल रहा है, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है. ओके, एक अनाउंसमेंट थी, मैंने कर दी कि SBI PO का हमारा एक स्पेशल यूट्यूब के ऊपर मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ. कल सुबह 9 बजे लेक्चर रहेगा, जिसमें बेजल नॉर्म्स के ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, याद रखना. ठीक है, चलो डिफेंस प्रोडक्शन की बात करते हैं. डिफेंस प्रोडक्शन, ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज गोइंग टू पुट द इम्पोर्ट बैन. इम्पोर्ट बैन है के उन्होंने, गवर्नमेंट ने कहा कि वेपन्स को नोटिफाई किया जाएगा कि कौन से वेपन्स खरीदने, कौन से नहीं खरीदने. सारे वेपन बाहर कंट्री से नहीं लाए जाएंगे, इंपोर्ट बैन की बात की है. एक लिस्ट बनेगी अभी कि ये वेपन बाहर कंट्री से खरीदना मना है, ये वेपन केवल इंडिया से ही खरीदने पड़ेंगे. अगर ये वेपन इंडिया से ही खरीदते तो ऑटोमेटिक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव स्ट्रांग हो जाएगा. लुक, मैक्सिमम वेपन्स हम लोग बाहर कंट्री से खरीदते हैं. हमने US और रशिया को कहा कि इंडिया में आके वेपन्स बनाइए, उन्होंने पहले हाँ तो बोला था पर आ नहीं रहा है. अभी फाइनली हमें अच्छा चांस मिल गया, हम इसको बैन ही करते हैं ताकि DRDO प्रोडक्शन कर रहा है. ऑर्डनेंस फैक्ट्री को हम कॉर्पोरेटाइज कर देंगे, प्राइवेटाइज नहीं कर रहे, कॉर्पोरेटाइज कर रहे ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज को, और फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में भी काम कर सकती है. दूसरा, FDI लिमिट बढ़ा दिए, 49% to 74% कर दिए. नाउ फॉरेन कंपनीज विल कम टू इंडिया एंड दे विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस इक्विपमेंट्स. सो ऑटोमेटिकली बाहर कंट्री से खरीदने की जरूरत नहीं, हम बाहर वालों को बेच पाएंगे. ये पॉइंट याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे FDI लिमिट की तरफ ध्यान देना, 49% to 74% हो चुका है. सिविल एविएशन यहाँ पे बहुत है. एयर स्पेस मैनेजमेंट, ये शायद हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इंडिया का 60% एयर स्पेस खाली है, यूज ही नहीं होता. आपको पता होगा प्लेन का जाने का एक रूट होता है, एक उनका भी अपना एक रास्ता होता है, उसी रास्ते से वो जाते हैं. इंडिया की 60% एयर जो यूज करने को अलाउड नहीं है, एयर स्पेस यूज करने को अलाउड नहीं, क्योंकि डिफेंस के एलोकेशंस है, तो डिफेंस के ऊपर से हम कोई भी प्लेन जाने नहीं देते. पर अभी हम लोग उसको डीरेगुलराइज कर रहे हैं. हम लोग कह रहे हैं कि इंडिया में इतना बड़ा एयर स्पेस है, उसको यूज करते हैं. अगर उसको यूज करेंगे तो और पैसा बढ़ सकता है, क्योंकि फ्लाइट्स बढ़ेगी, जल्दी से जल्दी फ्लाइट्स पहुंच पाएगी, तो काफी इनकम आ सकता है. तो ये रेस्ट्रिक्शन जो डिफेंस वाले रेस्ट्रिक्शन से उनको हटा दिया जाएगा, ये पॉइंट याद रखना. दूसरा, 6 और एयरपोर्ट हम लोग PPP मॉडल के थ्रू इंडिया में डेवलप करने वाले हैं. उड़ान योजना ऑलरेडी हमको पता है, MRO मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल नाम का कंसेप्ट होता है. MRO के लिए बहुत बार हमारे एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस के लिए हमें एयरक्राफ्ट दूसरे कंट्री लेके जाने पड़ते, हमारे पास मेंटेनेंस भी नहीं हो पाता, तो हमें MRO हब इंडिया में क्रिएट करना है. एक्चुअली MRO हब हमें पिछले 10 साल से डेवलप करना था, आज तक डेवलप नहीं हुआ है, पर फाइनली गवर्नमेंट इज सेइंग कि वी आर गोइंग टू स्पेंड 2000 करोड़ फॉर MRO जोन. इसके लिए हम लोग 2000 करोड़ खर्च करने वाले हैं. लेट्स सी कितना इसमें डेवलपमेंट होता है. ठीक है, नाउ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की हमने ऑलरेडी बात की थी, इनके टैरिफ के ऊपर 90,000 करोड़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड दे रहा है. ये स्टेट्स के लिए देगा, यहाँ पे यूनियन टेरिटोरीज की बात की, यूनियन टेरिटोरीज डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो उसके लिए कुछ अलग से प्रोविजन दी जाएगी. स्पेस की बात करते, स्पेस में प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया हुआ है, जैसे US में होता है. US में जैसे इवन मस्क की बात की जाए या वर्जिन की बात की जाए जो इसरो के साथ मिलकर काम करते हैं, वैसे इंडिया में भी हम प्राइवेट सेक्टर को अलाउ
कर रहे हैं स्पेस एक्टिविटी करने के लिए, तो अकेला इसरो नहीं करेगा, साथ में प्राइवेट प्लेयर्स भी काम कर सकते हैं, और प्राइवेट प्लेयर्स को इसरो की लैब यूज करने के लिए भी हमने अलाउ कर दिया है। इससे पैसा काफी आएगा, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स अगर काम करते हैं तो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन नहीं आएगा, नहीं तो इसरो के हर एक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है। अगर प्राइवेट प्लेयर्स कल अगर टाटा विप्रो अगर इंटरेस्ट दिखाते हैं, एक्चुअली विप्रो इज शोइंग सो मच इंटरेस्ट, टाटा इज ऑल्सो शोइंग सो मच इंटरेस्ट, अगर वो इंटरेस्ट दिखाते हैं तो गवर्नमेंट को फंडिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारा काफी प्रेशर कम हो जाएगा, एंड दैट इज द थिंग दे हैव मेंशन ओवर हियर। ओके, पीपीपी इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, चलो एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एटॉमिक एनर्जी के लिए भी प्राइवेट पीपीपी मॉडल की बात की है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उसकी बात की है, स्पेशली फॉर मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स, कैंसर के रिसर्च के लिए उन्होंने पीपीपी की बात की कि एटॉमिक एनर्जी के अंदर प्राइवेट को इन्वॉल्व करते हैं और कैंसर ट्रीटमेंट्स के ऊपर भी काम करते हैं। अब इसके लिए कोई फंडिंग नहीं है। बेसिकली एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली मैडम अनाउंस अनादर बजट, मैडम ने पूरा का पूरा एक बजट ही प्रेजेंट कर दिया। अभी नेक्स्ट 2-3 साल बजट प्रेजेंट नहीं किया ना, तो अभी बहुत सारी चीजें इस पांच प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैडम ने अनाउंस कर दी है, तो पूरा का पूरा बजट है। एटॉमिक एनर्जी की बात की, चलो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। 8,000 करोड़ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो रहे हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है ना हॉस्पिटल बनाना या सपोज कोई स्कूल्स बनाना, इसको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी पीपीपी अगेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आएंगे, वायबिलिटी गैप फंडिंग से काम करेंगे। वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब क्या होता है, किसी को टेंडर दे दिया, वो बंदा काम करेगा, आप काम कीजिए। अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ी, सपोज कोई गैप आ रही, सपोज 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, मेरे पास 800 करोड़ है, मैंने कर दिया, अब 200 करोड़ के गैप आ रहा है, तो 200 करोड़ गवर्नमेंट देगा, तब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएगा, जब गैप आएगी तो गवर्नमेंट देगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि 30% तक का वायबिलिटी गैप फंडिंग हम लोग दे सकते हैं। सपोज 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो 1,000 करोड़ में से 700 आप खर्च कर लीजिए, जो बचे हुए 300 रहेंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सपोर्ट कर सकती है। इस तरीके से चीजें काम करने वाली है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पोर्टल, ये पोर्टल है याद रखना, इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंडिया में हम लोग इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं, 3,376 इंडस्ट्रियल पार्क हैव बीन सेट अप इन इंडिया, याद रखना। इतने इंडस्ट्रियल पार्क काम करते होते हैं ना, MIDCs या कोई IT हब, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल पार्क है 500,000 हेक्टर में फैले हुए, उनके लिए, उन सारे इंडस्ट्रियल पार्क के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा, ऐसे गवर्नमेंट का कहना है। और इसके बाद 2020-21 से ये सारे इंडस्ट्रियल पार्क का रैंकिंग आएगा कि पुणे का इंडस्ट्रियल पार्क कैसे काम करता है, मुंबई का कैसे काम करता है, नोएडा का पार्क कैसा है, गुड़गांव का कैसा है, सारे इंडस्ट्रियल पार्क का रैंकिंग आएगा, विच इंडस्ट्रियल पार्क इज बेस्ट एंड विच इज वर्स्ट, जिससे और थोड़ी कंपटीशन स्ट्रांग हो सकती है। ये अलग अनादर पोर्टल है, इसके तरफ ध्यान रखिएगा। अगेन यहाँ पे भी सीन है, मुझे नहीं पता कि ये इकोनॉमिक स्टिमुलस में इसको क्यों अनाउंस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हम केवल फंडिंग की बात कर रहे थे, पर मैडम ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ दिया, इसको अनाउंस कर दिया है। क्या विकी आप क्या पूछ रहे थे? ना, इकोनॉमिक स्टिमुलस 5th पे आते, जो लास्ट है आज सुबह अनाउंस किया, नरेगा में 40,000 करोड़ डाले गए। एक्चुअली नरेगा पहले अनाउंस होना चाहिए था, जब माइग्रेंट लेबर की बात आई तभी नरेगा अनाउंस होना चाहिए था, पर तभी कैंपा अनाउंस किया था, नरेगा अनाउंस नहीं किया। काफी लोगों ने गाली मारी नरेगा को लेकर, क्योंकि नरेगा में अभी थोड़ा पैसा डालना पड़ेगा, नरेगा का टाइम बढ़ाना पड़ेगा। 100 दिन का रोजगार मिलता है, लोग कह रहे थे 200 दिन का रोजगार देना शुरू कर दीजिए, पर शायद 200 दिन का होगा भी फ्यूचर में, पर फिलहाल पैसे डाले गए 40,000 करोड़ नरेगा के अंदर, ये पॉइंट याद रखना। पार्क नहीं बन रहे विकी, दे आर ऑलरेडी पार्क्स आर ऑलरेडी देयर, वी आर जस्ट लाइक कनेक्टिंग ऑल द पार्क्स विद वन पोर्टल। पार्क्स आर ऑलरेडी देयर, 3,376 पार्क्स आर ऑलरेडी देयर। ठीक है, यस, पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, हेल्थ की बात करते हैं। यस, वेजेस 20 रुपीज से हम वेजेस बढ़ा रहे हैं, पर हमें डेज बढ़ाने हैं, डेज बढ़ाना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि डेज अगर बढ़ाते हैं तो ये माइग्रेशन वाला या माइग्रेंट लेबर का प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, हेल्थ के ऊपर बात की है, ब्लॉक लेवल पे हमें लैब्स बनानी पड़ेगी, जिसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू स्पेंड सर्टन अमाउंट ऑफ मनी। एजुकेशन में बहुत बड़े अनाउंसमेंट है, ई विद्या प्रोग्राम, इसको इमीडिएटली लॉन्च किया जाएगा। ई विद्या प्रोग्राम का मतलब है कि जो DTH हमारे जो चैनल्स है ना, टीवी चैनल्स, उसके ऊपर अभी चैनल्स आना शुरू होंगे एजुकेशन के। 3 चैनल्स आते हैं, दे आर सेइंग कि हमें हर तरीके से हमें मैक्सिमम चैनल लेके आने पड़ेंगे, और कुछ चैनल रहेंगे जो विजुअली और हियरिंग इम्पेयर्ड के एंगल में आने वाला है, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग हर जगह आ गई है, अब ऑनलाइन लर्निंग का ही जमाना रहेगा। एंड दैट्स व्हाई फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12 के लिए
टीवी चैनल्स लाना जरूरी है, वन टीवी चैनल एटलीस्ट फॉर वन क्लास ये लेके आना है। ऊपर से स्टेट को बोला गया है, स्टेट को कंटेंट मंगाया गया है, स्टेट को बोला है कि अगर आपको आपके स्टेट के चैनल्स चलाने होंगे तो आप कंटेंट प्रोवाइड कीजिए, हम लोगों तक लेके जाते हैं। तो ई विद्या नाम का कंसेप्ट यहाँ पे अनाउंस किया गया है, ठीक है। 100 यूनिवर्सिटीज को परमिशन दी है टू स्टार्ट ऑनलाइन कोर्सेस। इसका मतलब वो दिन दूर नहीं कि अभी कॉलेजेस के क्लासरूम नहीं रहेगा, सारा ऑनलाइन ही रहेगा। ऑलरेडी गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर दैट। स्कूल कॉलेज घर से, सब घर से, वही जमाना आने वाला है और वही चीज यहां पे गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आईबीसी, नाउ आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सीज, तभी शायद किसी ने अनाउंस भी कर दिया, बताया भी था आपने चैट में कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी का, यस इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी, नो फ्रेश इंसॉल्वेंसी फॉर नेक्स्ट वन ईयर, क्योंकि बिजनेस काम ही नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली वो बैंकरप्ट हो गए, पर उनके ऊपर कोई भी एक्शन नेक्स्ट वन ईयर तक लेके ले नहीं जाएगी अंडर आईबीसी। आईबीसी के अंदर कोई एक्शन नहीं रहेगी, सरफेसी के अंदर हो सकती है या डीआरटी के अंदर हो सकती है, पर आईबीसी के अंदर कोई एक्शन नहीं ली जाएगी, याद रखना। अभी थ्रेशोल्ड जो था वो 1 करोड़ कर दिया है, पहले 1 लाख का था कि 1 लाख तक नहीं होते तो आईबीसी के अंदर आएगा। अभी 1 करोड़ तक का अगर आपका बैंकरप्सी है तो आईबीसी के अंदर आएगा और 1 साल तक नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। अगेन ये केवल आईबीसी के लिए है, ये बाकी लॉट्स के लिए नहीं है, यहां पे कैच है वो पकड़ना जरूरी रहेगा। नाउ कंपनीज एक्ट, ये बहुत अच्छा पॉइंट कर दिया, कंपनीज एक्ट को डिक्रिमिनलाइज कर दिया है। सीन क्या है, 7 चीजें, 7 और 5 ऑफेंसेस, ऐसी कुछ चीजें। सपोज कंपनीज एक्ट में कुछ रूल्स लिखे, मुझे वो रूल पूरे करने थे बींग मेरी कंपनी है, पर बिकॉज ऑफ कोरोना में नहीं कर पाया तो मेरे ऊपर कोई भी क्रिमिनल एक्शन नहीं ली जाएगी, तो देयर वोंट बी एनी क्रिमिनल एक्शन, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना था तो हम लोग रूल्स नहीं कर सकते, रूल बहुत बार ब्रेक होंगे। तो कंपनीज एक्ट को अमेंड नहीं किया, सिर्फ इतना बोला है कि उसके ऊपर क्रिमिनल एक्शन नहीं ली जाएगी, तो आपको कोई जेल में नहीं डालेगा, फाइन बैठ सकता है, फाइन बैठ सकता है, पर आपको जेल पे कोई नहीं डालेगा। लिस्टिंग नॉर्म्स, ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। कंपनीज जो हमारी है वो अभी बाहर के, मीन्स न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट, लंदन स्टॉक मार्केट, टोक्यो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो सकती है। देखिए फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन, उनको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप वहां जाके भी शेयर्स बेच सकते हो। यस इट्स अ बिग अनाउंसमेंट, इट्स अ वेरी ह्यूज अनाउंसमेंट, ये रिलायंस को बहुत फेवरेबल है, बहुत फेवरेबल है। देखना सबसे पहली कंपनी जियो रहेगी जो न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट में जाके लिस्टेड होने वाली है, क्योंकि वहां शेयर्स बेचोगे तो और पैसा आएगा। ऑलरेडी अंबानी साहब ने इस लॉकडाउन में काफी पैसा कमा लिया, नाउ दिस इज अनादर वे टू अर्न मनी, सो लिस्टिंग नॉर्म्स चेंज कर दिए हैं, इसके तरफ ध्यान रखिएगा। यस एक्चुअली रेन हियर इज ऑल्सो इन पुणे, ऑल्सो रेन इज गोइंग ऑन, सो थोड़ा इसका ट्रबल चल रहा है। न्यू पब्लिक सेक्टर पॉलिसी, नाउ इसको लेके बहुत गाली पड़ने वाली है और ऑलरेडी गाली पड़ रही है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि कुछ सेक्टर छोड़ के बाकी सारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को हम लोग प्राइवेटाइज करेंगे। यस देखिए ऑल सेक्टर्स आर ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर, नाउ सारे के सारे इंडिया के सेक्टर प्राइवेट कंपनी के लिए ओपन कर देंगे। कुछ स्ट्रैटेजिक एरियाज है जहां पे एक पीएससी रहेगी, एक प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज रहेगा, बाकी प्राइवेट सेक्टर को हर जगह अलाउंस हम अलाउ कर रहे हैं। उल्टा गवर्नमेंट ने एक और हिंट दे दी है, निर्मला सीतारमण जी ने बात करते करते अच्छी खासी हिंट दे दी है। हिंट यह है कि जितनी पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी उसके शेयर्स इन फ्यूचर ज्यादा अमाउंट में बिकने वाले हैं, मीन 60-60% शेयर्स उनके बेच देंगे, वो कंपनियां प्राइवेट बनने के चांसेस 100% है। प्रॉपर अनाउंसमेंट कर दी अनुराग ठाकुर साहब ने, तो कहा जैसे बैंकों में हमने किया है वैसा ही हम लोग इन कंपनियों के साथ भी करने वाले हैं। तो देखिए उनका कहना है स्ट्रैटेजिक एरियाज छोड़ के वहां पे एटलीस्ट एक पीएससी काम करेगी, पर प्राइवेट को अलाउ करेंगे, इन अदर सेक्टर पीएससी विल बी प्राइवेटाइज। प्रॉपर अनाउंसमेंट कर दी है एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना यहां पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जानी चाहिए, ठीक है। नाउ एडिशनल रिसोर्सेज फॉर द स्टेट, ये एक बड़ा अनाउंसमेंट है। यहां पे स्टेट को ना टॉन्ट मारा गया है, लिटरली टॉन्ट मारा है मैडम ने। मैडम ने कहा कि हमने स्टेट को सब कुछ दे दिया, हमने स्टेट्स को बोला पैसे बोरो करो, फिर भी स्टेट्स पैसे बोरो नहीं कर रहे। उन्होंने देखा कि स्टेट्स आर ओनली बोरोइंग 14% ऑफ देयर लिमिट, लिमिट 75% कर दी है। नॉर्मली ऐसा होता है कि हाफ ईयर तक 50% पैसा बोरो कर सकते हैं, उनको 75% पैसा बोरो करने की परमिशन दे दी है, पर उसमें से केवल 14% पैसा ही स्टेट्स ने बोरो किया, और फिर भी स्टेट्स हमें गाली मार रहे हैं
तो उन्होंने ऐसा बोल दिया, फिर मैडम ने खुद ही बोला कि जाने दो, ठीक है हमारी ड्यूटी है, हमारा जॉब होता है, हम कर लेंगे। पर उसके बाद मैडम ने कहा कि नाउ बोरोइंग लिमिट इंक्रीज फ्रॉम 3% to 5% फॉर फाइनेंशियल ईयर 21। तो उनकी लिमिट्स है उसको और थोड़ा बड़ा कर दिया, और थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा अगर उनको चाहिए तो और पैसा बोरो कर सकते हैं। तो नाउ एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ 4.28 लाख करोड़ टू द स्टेट्स, दिस इज द अमाउंट जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उसके तरफ ध्यान रखिएगा। लिमिट 3 to 5% कर दी है और 4.28 लाख करोड़ तक का वो पैसा बोरो कर सकते हैं। अभी तक 86% पैसा अनयूटिलाइज्ड है। स्टेट बोरो क्यों नहीं कर रहे हैं? रीजन ये है, स्टेट ने अगर बोरो किया तो स्टेट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। स्टेट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो एट द एंड गाली कौन मारेगा स्टेट को? फाइनेंस कमीशन, पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट को भी तो सोचना पड़ेगा ना भाई, पैसे बोरो करने से पहले। स्टेट ये सोच रहा है कि हमारा जीएसटी के टैक्सेस का पैसा दे दो, छोड़ो खत्म करो, या आप कुछ पैकेज दे दो, क्योंकि बोरो अगर करेंगे तो डेफिसिट बढ़ेगा। इंडिया के सारे स्टेट्स का अगर डेफिसिट बढ़ा तो फाइनल बर्डन किसके ऊपर आने वाला है? पार्लियामेंट के ऊपर ही तो आएगा, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही तो आएगा। इसलिए स्टेट्स आर वेरी लाइक रिलक्टेंट टू बोरो द मनी, इसके तरफ ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ लास्ट स्लाइड पे आते हैं, एंड जिसमें मैडम ने बताया कि ये 20 लाख करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। क्योंकि जब से मोदी जी ने 8 बजे आके आत्मनिर्भर का बिगुल बजा दिया, उसके बाद से सब लोग पूछ रहे। लोगों ने तो वो भी कैलकुलेशन किए थे, इंडिया का पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय लाइक 20 लाख्स के कैलकुलेट किए तो पर हेड कितना आएगा। इंडियंस आर वेरी डेंजरस, दे कैन कैलकुलेट डैम एनीथिंग। ओके, बट नाउ मैडम सेड कि एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। जो पार्ट वन दिया था उसमें 5 लाख करोड़ थे, पार्ट टू में 3 लाख करोड़ है, पार्ट थ्री मैं 1 लाख 1.5 लाख करोड़ की बात की है, और पार्ट फोर और फाइव में 48,000 करोड़ की बात यहां पे की है। के अर्लियर मेजर्स की बात करते हैं जो पहले से थे, उसमें ऑलरेडी 2 लाख करोड़ हम पहले से दे रहे थे, और आरबीआई के देखिए 8 लाख करोड़ आरबीआई की तरफ से आ रहे हैं। तो ये मिला के 20 लाख करोड़ से ज्यादा का पैकेज हो रहा है। बेसिकली ये पैकेज कम है और लोन के एवेन्यूज ज्यादा है। गवर्नमेंट के जेब से काफी पैसा कम जा रहा है पर बाकी सारा पैसा लोन के थ्रू आ रहा है, और लोन के थ्रू जो आता है उसको फिस्कल पैकेज नहीं कहते। इकोनॉमी का डेफिनेशन ही नहीं है, इंडिया में इकोनॉमी के डेफिनेशन काफी चेंज हो रहे हैं, पर मॉनेटरी और फिस्कल मिला के ये पैकेज दिया गया है 20 लाख करोड़ का, इसके तरफ ध्यान रखना। इसमें डायरेक्टली अकाउंट में कोई पैसा नहीं आ रहा है, यहाँ पे सारा लोन के थ्रू आ रहा है, एंड दैट इज द सपोर्ट। सो यू हैव टू रीड इट वेरी वेल। एग्जाम में काफी क्वेश्चन आने वाले हैं। बड़ा यही इसी स्माइल के साथ, इसी इनोसेंट स्माइल के साथ मैडम ने यह पैकेज दिया है और लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टूडेज लेक्चर। काफी हेवी लेक्चर था, टेक्निकल इश्यूज भी हमारे लेक्चर में थे, बट कोई बात नहीं। कल सुबह 9 बजे मिलते हैं एसबीआई पीओ के लेक्चर के साथ, बेजल नॉर्म्स डिस्कस करने वाला हूं, एंड एवरीडे मॉर्निंग 9 बजे शायद मेरा लेक्चर रहेगा यूट्यूब पे, उसमें कनेक्टेड रहेंगे। सब लोग घर पे रहिए, ग्राउंड लेवल पे भी तो आना चाहिए। यस, विल सी ग्राउंड लेवल पे कितना आता है। एक्चुअली नीलेश प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं आपको एक रियल प्रॉब्लम बताता हूँ। प्रॉब्लम ये हो रही है कि इन्होंने अनाउंस तो कर दिया, बैंक वाले कह रहे हैं, बैंकों का ये कहना है कि हमारे पास कोई आ ही नहीं रहा है लोन लेने के लिए, कोई आ ही नहीं रहा है, क्योंकि लोग जाएंगे कैसे ना यार। लोग अगर लोन लेने भी जाएंगे तो लोगों को ये नहीं पता लॉकडाउन कितने दिन चलने वाला है। आज लोन ले लिया पर लॉकडाउन अगर और एक्सटेंड होता है तो इनके इनके ऊपर वो पैसा बैठेगा, इसलिए लोग डर रहे हैं, इसलिए लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, एंड दैट इज द बिग प्रॉब्लम। पर इसके लिए अभी तक हमने कुछ किया नहीं है, लेट्स सी गवर्नमेंट बाद में कभी इसके बारे में सोचे, एंड दैट विल द प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, चलो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड होप सो जल्दी सब ठीक हो जाए और हमारी एग्जाम्स भी हो जाए। ओके, चलो कल मिलते हैं सुबह 9 बजे। बाय बाय, टेक केयर।